इस कोर्स में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ग्राफाना, और ग्राफाना जो है बहुत से पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, कम्प्लीटली ओपन सोर्स है। और इस कोर्स में आप लोग सीखोगे कैसे ग्राफाना को यूज़ करके आप क्वेरी कर सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो और विजुलाइजेशन के ऊपर अलर्ट्स क्रिएट कर सकते हो। वैसे तो ग्राफाना के बहुत से फीचर्स हैं, लेकिन कुछ जो फीचर है वो मैं इस कोर्स में आपको बताने वाला हूँ। और इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो आपको बता दूं कि ग्राफाना जो है वो कम्प्लीटली ओपन सोर्स है, और जो ग्राफाना की कम्युनिटी है वो बहुत लार्ज कम्युनिटी है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज़ कहीं भी अगर आप अटकते हो तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में है तो आप पूछ सकते हो, कम्युनिटी पर डाल सकते हो वो क्वेश्चंस, और कम्युनिटी जो है वो ट्राई करती है आपके क्वेश्चंस का आंसर करने का। उसके बाद जो ग्राफाना है, ग्राफाना जितने भी मेजर डेटाबेसिस है सबको सपोर्ट करता है। और इसका ये ब्यूटी ये है कि आप जो है एक ही डैशबोर्ड में मल्टीपल पैनल्स क्रिएट कर सकते हो, और जो वो मल्टीपल पैनल्स हैं वो मल्टीपल डेटा सोर्स को रेफर कर सकते हैं। यानी कि आप सिंगल डैशबोर्ड में आप मल्टीपल पैनल्स रख सकते हो, और ऐसा हो सकता है कि एक पैनल जो है वो ओरेकल से डेटा ले रहा है, दूसरा पैनल जो है वो MySQL से डेटा ले रहा है, तीसरा पैनल जो है वो InfluxDB से डेटा ले रहा है। तो ऐसे करके आप बहुत से जो है क्रिएटिव जो है वे में डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो मल्टीपल डिफरेंट डेटा सोर्सेज को यूज़ करके। और जो ग्राफाना है वो फुली डायनेमिक डैशबोर्ड सपोर्ट करता है, यानी कि आप जो है सिंपल स्टैटिक डैशबोर्ड बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपने एक ऐसा डायनेमिक डैशबोर्ड बना दिया जो कि बेस्ड ऑन डिफरेंट डेटा सोर्सेज और बेस्ड ऑन जो भी आपने फिल्टर लगाया है या जो सिलेक्शन किया है उसके बेसिस पे ये कम्प्लीटली चेंज हो सकता है। और ग्राफाना जो है आप में कम्प्लीटली जो है डिफरेंट मेट्रिक्स या लॉग्स एक्सप्लोर कर सकते हो। और जो सबसे इसका एक्सीलेंट फीचर है वो ये है कि आप ग्राफाना को यूज़ करके अलर्टिंग क्रिएट कर सकते हो। यानी कि जैसे आप बोलते हो कि जब जो थ्रेशोल्ड है वो एक सर्टन पॉइंट से ऊपर या नीचे जाए तो उसके ऊपर आप जो है आप कुछ जैसे अलर्ट क्रिएट करना चाहते हो, आप टेलीग्राम अलर्ट भेजना चाहते हो या आप ईमेल अलर्ट क्रिएट करना चाहते हो, तो वो सब चीज़ें जो है वो आप ग्राफाना को यूज़ करके कर सकते हो। अब ग्राफाना को सीखने से पहले जो सबसे हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जाननी है वो ये है कि एज ऑफ नाउ जो ग्राफाना का लेटेस्ट वर्जन है वो है 7.4.2। और ग्राफाना को यूज़ करने के लिए, क्योंकि ग्राफाना जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक विजुअलाइजेशन टूल है, ग्राफाना खुद में कुछ स्टोर नहीं करता है, तो इसको जो है यूज़ करने के लिए हमें चाहिए होगा एक डेटा स्टोर। तो हम लोग यूज़ करने वाले हैं InfluxDB। तो InfluxDB क्या है, वो डेटाबेस है जो कि डेटा स्टोर करता है, और InfluxDB जो है टेलीमेट्री डेटा स्टोर है। यानी कि InfluxDB में कुछ भी आप स्टोर करोगे तो उसके साथ आपको टाइम ज़रूर मेंशन करना पड़ेगा। तो इस कोर्स में मैं InfluxDB के बारे में ज़्यादा नहीं बताने वाला हूँ, सिर्फ ये जो कोर्स है वो डेडिकेटेडली जो है ग्राफाना को होने वाला है। InfluxDB के बारे में मैं फिर से एक डिफरेंट कोर्स बनाऊँगा जिसमें आप जो है सारी डिटेल देख सकते हो इसकी। अब बात करते हैं टेलीग्राफ की। तो टेलीग्राफ जो है वो एक छोटा सा काइंड ऑफ स्क्रिप्ट या एजेंट बोल सकते हो, वो होता है जो कि डिफरेंट सिस्टम से आपका सिस्टम रिलेटेड डेटा कलेक्ट करेगा। तो टेलीग्राफ हम लोग डालेंगे सर्वर पे जो कि डेटा कलेक्ट करेगा, जैसे कि आपका CPU कितना है, CPU यूटिलाइजेशन कितना है, आपका जो है मेमोरी यूटिलाइजेशन कितना है, आपका जो फ्री स्पेस अवेलेबिलिटी कितना है, इस तरह के जो डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं जिसको कि हम सिस्टम मेट्रिक्स बोलते हैं, वो कलेक्ट करेगा टेलीग्राफ। और ये सारा जो डेटा है जो भी ये कलेक्ट करेगा वो हम लोग भेजेंगे InfluxDB को, और उसके बाद जो है हम लोग यूज़ करेंगे ग्राफाना InfluxDB से कनेक्ट करने के लिए। और ग्राफाना को यूज़ करके हम जो है ब्यूटीफुल डैशबोर्ड्स बनाएंगे जो कि हमें दिखाएगा कि करंट CPU यूटिलाइजेशन कितना है, मेमोरी यूटिलाइजेशन कितना है, या लेट्स सपोज कोई भी जो भी हम पैरामीटर क्रिएट करना चाहे वो सब चीज़ें हम दिखा सकते हैं ग्राफाना को यूज़ करके। तो सबसे पहले जो इसको ये जो तीनों कंपोनेंट हैं इनको इंस्टॉल कर लेते हैं वन बाय वन, उसके बाद जो है हम इसकी डिटेल में जाएंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे बहुत से डिफरेंट कोर्सेज आने वाले हैं, और सारे के सारे जो कोर्सेज हैं वो कम्प्लीटली हिंदी में होंगे, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में होंगे। और जो जितने भी क्वेश्चन हैं आपके मन में वो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं ट्राई करूँगा सारे क्वेश्चन का आंसर देने का। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में थैंक्स जरूर लिखिए, उससे क्या होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी डिफरेंट कोर्सेज बनाने के लिए। और जो कोर्सेज होंगे वो कम्प्लीटली हिंदी में होने वाले हैं और जॉब पर्पस के लिए होने वाले हैं। आपको ये कोर्सेज को जो है अगर आप पूरा गो थ्रू करते हो उसके बाद आपकी जॉब लगना लगभग तय है। और जितने भी मैं कोर्सेज पढ़ाने वाला हूँ वो ऐसे कोर्सेज हैं जिसकी जो है मार्केट में डिमांड काफ़ी अच्छी है, और उसको आप सीख के बहुत ही ईजिली जो है मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हो और जॉब हासिल कर सकते हो। अब जो मेरे पास है वो है एक ग्राफाना सर्वर। ओके, तो ये जो सर्वर है वो CentOS सर्वर है, उस पर जो मैंने है ग्राफाना नाम का यूज़र क्रिएट कर लिया हुआ है। और इसको अगर आपको देखना है कि यूज़र का नाम क्या है तो उसके लिए आप WhoAmI टाइप कर सकते हो, जो कि आपको बताएगा कि यूज़र का नाम क्या है। तो करेंटली जो यूज़र है वो है ग्राफाना, और अगर आप PWD टाइप करते हो तो ये आपको बताता है कि आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है। तो करेंटली हम लोग हैं /home/ग्राफाना में,
और उसके बाद अगर आप होस्ट नेम टाइप करते हो तो ये आपको बताएगा कि आपका जो सर्वर है उसका होस्ट नेम क्या है। ठीक है, तो आपको जो सर्वर की पूरी डिटेल यहाँ पे मैंने दे दी है। अब हम लोग चलते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इंस्टॉल करेंगे ग्रफाना। ग्रफाना इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना है grafana.com/grafana/download पे, और वहाँ से जो है आपको जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सेलेक्ट करना है। तो मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ लिनक्स पे, तो इसलिए मैंने लिनक्स सेलेक्ट कर लिया है। और जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है CentOS, तो यहाँ पे मैं CentOS वाले सेक्शन में आ गया हूँ। अगर आप जो डिफरेंट फ्लेवर पे हैं तो आप जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लेवर सेलेक्ट कीजिए और वो वाली कमांड एग्जीक्यूट कीजिए। अब जो सबसे पहले हम चलाएंगे wget कमांड। जो wget कमांड है वो क्या करती है कि जो आपकी फ़ाइल है उसको डाउनलोड कर देगी सर्वर पे। तो सबसे पहले इसको चलाते हैं और ये क्या करेगा, ये सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड कर देगा। इसने जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड कर दिया है। अब हम लोग जाएंगे सेकंड कमांड पे। जो सेकंड कमांड क्या करेगा, वो जो ग्रफाना है आपका इंस्टॉल करेगा। अब इसके लिए जो है आपको चाहिए सूडो एक्सेस। सूडो एक्सेस क्या होता है, वो काइंड ऑफ रूट एक्सेस है, यानी कि ये यूज़र जो भी चलाएगा वो रूट यूज़र से चलेगा। तो अगर आपके पास सूडो एक्सेस नहीं है तो आपको सबसे पहले जो अपने सिस्टम एडमिन से बात करके जो भी आपका यूज़र है उसको जो है सूडो की प्रिविलेजेस लीजिए, उसके बाद ही आप ये चला पाएंगे। तो मैं यहाँ पे हिट करने वाला हूँ एंटर, और उसके बाद जो इंस्टॉलेशन है वो शुरू हो जाएगा। इंस्टॉलेशन होने में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। यहाँ पे ये जो है कंफर्मेशन मांग रहा है, कंफर्मेशन के लिए टाइप कीजिए वाई यानी यस, आपने कंफर्म कर दिया है और जो इंस्टॉलेशन है वो अब शुरू हो चुका है। और अगेन डिपेंडिंग ऑन आपका जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन क्या है उसके बेसिस पे जो है आपका इंस्टॉलेशन टाइम थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा लग सकता है। तो जब ग्रफाना इंस्टॉल होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ऑलरेडी सिस्टम जो एडमिन यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह वो क्रिएट कर देता है। तो जब मैं आपको लॉगिन करूँगा तब दिखाऊँगा कि डिफ़ॉल्ट जो है सिस्टम नो यूज़र नेम एंड पासवर्ड क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखिए बता रहा है कि जो ग्रफाना इंस्टॉलेशन है वो कम्प्लीट हो गया है। अब जो यहाँ पर बता रहा है कि आपको इसको स्टार्ट करने के लिए आपको जो चलाना है वो है ग्रफाना सर्वर वाली कमांड चलानी है। तो सबसे पहले जो है हम ये वाली जो कमांड है sudo /bin/systemctl-enable-grafana-server.service ये वाली कमांड चलाएंगे। ये वाली जो कमांड है वो क्या करेगा कि ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग इनेबल कर देगा कि आपका अगर सर्वर रीबूट होता है, यानी जब भी अगर आपका आप अपना जो सर्वर है वो आप शट डाउन करते हो उसके बाद जब अगर दोबारा स्टार्ट करते हो तो ग्रफाना जो है ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, इसको चला दीजिए। और उसके बाद जो है हम लोग जो ग्रफाना को स्टार्ट करने की कमांड चलाएंगे। तो जो ग्रफाना स्टार्ट करने की जो कमांड है वो बहुत सिंपल है। आपको डालना है sudo /bin/systemctl-start/grafana-server.service। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट करूँगा, उसके बाद एंटर दबाइए और जो है ये ग्रफाना आपका ग्रफाना की सर्विसेज जो हैं वो स्टार्ट हो जाएगी। अगेन इसके जो स्टेटस चेक करने के लिए आपको जो करना है कमांड सेम रहेगी, स्टार्ट को आप जो है रिप्लेस कर दीजिए स्टेटस से और उसके बाद एंटर मारिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बता रहा है कि जो आप ग्रफाना सर्विसेज है वो रनिंग स्टेटस में, यानी कि ग्रफाना जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और ग्रफाना प्रॉपरली इस टाइम पर चल रहा होगा। तो इसको जो है चलाने के लिए और देखने के लिए कि ये चल रहा है कि नहीं, हम लोग जाएंगे डिफ़ॉल्ट जो URL होता है उस पर। तो डिफ़ॉल्ट URL है वो होता है जो भी आपका सर्वर की IP है। तो ये वाला जो सर्वर है इसकी IP जो है वो ये वाली है, तो मैं जाने वाला हूँ इसकी IP पे। इसकी IP आप कॉपी कीजिए और उसके बाद जो है ब्राउज़र ओपन कीजिए और जो भी IP है वो टाइप कीजिए और कॉलन के बाद आपको 3000 टाइप करना है। जो 3000 होता है वो डिफ़ॉल्ट पोर्ट है, एंटर मारिए और उसके बाद जो ग्रफाना है वो ओपन होना शुरू हो जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड होता है वो होता है एडमिन और एडमिन, यानी कि यूज़र नेम भी एडमिन और पासवर्ड है वो भी एडमिन। तो जब हम लोग लॉगिन करेंगे डिफ़ॉल्ट मोड में तो उस टाइम पे आपको अगर जब फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो ये बोलेगा कि पासवर्ड आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एडमिन डाल दिया है। मैं लॉगिन पे जो है क्लिक करता हूँ तो ये बोलेगा कि आप जो है नया पासवर्ड डाल सकते हो। ओके, तो मैं जो है इस टाइम पे नया पासवर्ड नहीं डालना चाहता हूँ, तो उस केस में आप जस्ट स्किप पे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये हमें ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है कि आप जो है नया पासवर्ड यहाँ पे डालें अगर आप प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैं है स्किप पे क्लिक करने वाला हूँ और जो बाय डिफ़ॉल्ट जो ग्रफाना ऐसा लगता है जब फर्स्ट टाइम इंस्टॉल होता है। ओके, तो अभी भी ये जो है थोड़ा सा स्लो है क्योंकि जो सर्वर है जो जिस सर्वर पे मैंने ग्रफाना इंस्टॉल किया उसकी कॉन्फ़िगरेशन इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा स्लो है। लेकिन कुछ इस टाइप का लगता है जब ग्रफाना आप फर्स्ट टाइम ओपन करते हो।
अब ग्रफाना के साथ साथ मैंने आपको बताया था हम लोग इंस्टॉल करेंगे इन्फ्लक्स डीबी और टेलीग्राफ, तो सबसे पहले इन्फ्लक्स डीबी और टेलीग्राफ भी इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि हमने ग्रफाना तो इंस्टॉल कर लिया है लेकिन हमारे पास ग्रफाना प्ले करने के लिए कोई भी डेटा सोर्स अवेलेबल नहीं है इस टाइम पे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं इन्फ्लक्स डीबी को इंस्टॉल करने के लिए। तो इन्फ्लक्स डीबी को इंस्टॉल करने के लिए जो यूआरएल है वो ये वाला यूआरएल है, अगेन जो यूआरएल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जो जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है आप उसको सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो कीजिए। तो अगर आप CentOS पे हैं यानी लिनक्स पे हैं तो आप जो ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये सारी कमांड जो है आपको वन बाय वन चलानी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये जो भी कमांड्स हैं इन सबको एक फ़ाइल में सेव कर लेता हूँ। सबसे पहले ये जो है इसको क्लियर कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली पता चल पाए इनके क्या जो इन्फ्लक्स के इंस्टॉल करने के स्टेप्स हैं वो क्या है। तो सबसे पहले जाते हैं VI, हम लोग क्या करते हैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं और उस फाइल के अंदर जो है हम सारी इंस्ट्रक्शंस डाल देंगे। तो मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की जो कि इस TMP डायरेक्ट्री के अंदर है और इसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं इंस्टॉल करने के, ओके, जो भी स्टेप्स यहाँ पे बताए गए हैं मैंने वो सारे कॉपी पेस्ट कर दिए। ओके, तो ये सारे स्टेप्स थे तो मैंने इसको सबको कॉपी किया और इस यहाँ पे इस फाइल में सेव कर दिया। और रादर देन अब ये हर लाइन वन बाय वन चलाने के, मैं क्या करने वाला हूँ पूरी की पूरी फाइल एक बार में एग्जीक्यूट कर दूंगा, यानी कि मैं डालने वाला हूँ SH स्पेस और जो भी आपकी फ़ाइल है उसका पूरा पाथ यहाँ पे डाल दीजिए, उसके बाद एंटर मारिए। तो यानी फाइल में जो भी था वो सारा एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग जाने वाले हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे। जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो बोलता है कि आपको ये कमांड चलानी है इन्फ्लक्स डीबी इंस्टॉल करने के लिए। तो हम लोग डालने वाले हैं sudo स्पेस yum स्पेस इंस्टॉल स्पेस इन्फ्लक्स डीबी, एंटर प्रेस कीजिए। अगेन जो इन्फ्लक्स डीबी है उसकी जो इंस्टॉलेशन है स्टार्ट हो चुकी है, ये कन्फर्मेशन मांग रहा है, वाई दबाइए, एंटर मारिए और आप जो है इंस्टॉलेशन कन्फर्मेशन वाले स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे। सो ये बोल रहा है इंस्टॉलेशन कम्प्लीटेड सक्सेसफुली। अगेन ये जो बता रहा है कि जो सिम्बॉलिक लिंक कुछ क्रिएट किए हुए हैं इसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, यानी कि अगर मेरे को देखना है कि इन्फ्लक्स डीबी जो है सर्विसेज प्रॉपरली चल रही हैं कि नहीं, तो उसके लिए जो है आप यहाँ से इनको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन उससे आसान तरीका ये है कि आप जो है ये कमांड यहाँ पे दिया हुआ है sudo system CTL start इन्फ्लक्स डीबी, तो अगर आप स्टार्ट को रिप्लेस करेंगे स्टेटस से तो आपको पता चल जाएगा कि राइट नाउ क्या स्टेटस है इन्फ्लक्स डीबी का। तो बाय डिफॉल्ट जब इंस्टॉल होता है इन्फ्लक्स डीबी तो वो जो है इनएक्टिव स्टेट में रहता है, तो यानी कि आपको इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करने के लिए आप जो है स्टेटस को रिप्लेस कर दीजिए स्टार्ट से और उसके बाद जो है एंटर मारिए। अब ये जो इन्फ्लक्स डीबी है वो स्टार्ट हो चुका है, इसको चेक करने के लिए हम फिर से स्टेटस चलाएंगे और चेक करेंगे। इस टाइम आप देख सकते हो ये बोल रहा है एक्टिव, यानी कि जो इन्फ्लक्स डीबी है वो प्रॉपरली चल रहा है। यहाँ पे एक और चीज़ जो है वो गौर करने वाली ये है कि कुछ जो है कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती हैं डिफ़ॉल्ट इन्फ्लक्स डीबी की, वो जो है इस पाथ पे स्टोर है। तो अगर आप इन्फ्लक्स डीबी की जो है कॉन्फ़िगरेशन फाइल देखना चाहते हैं, उससे प्ले करना चाहते हैं, तो आपको इस पाथ पे मिलेगा। अगेन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग जो है इन्फ्लक्स डीबी की ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम लोग इस जो कोर्स में हम सिर्फ ग्रफाना की बात करेंगे। इन्फ्लक्स डीबी और टेलीग्राफ के बारे में जो सेपरेट कोर्सेज में बनाऊंगा जिसमें आपको जो है पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो हमने इन्फ्लक्स डीबी इंस्टॉल कर लिया है, अब सिमिलरली हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं टेलीग्राफ। टेलीग्राफ के लिए भी इस लिंक पे आपको जाना है, उसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सिमिलर हैं जो कि हमने इन्फ्लक्स डीबी के लिए फॉलो किए थे। यानी ये आपको ये जो सेट ऑफ कमांड्स चलाने हैं इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसको जो है सबसे पहले एक फ़ाइल में सेव कर लेंगे। उससे पहले जो पुरानी जो हमने इंस्टॉलेशन किया था उसको क्लियर करते हैं, यानी कि क्लियर कमांड चलाते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे VI स्पेस /tmp/telegraph। तो यानी कि मैं एक टेलीग्राफ नाम का फाइल बना रहा हूँ, उसमें जो भी सारे कमांड्स थे वो मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिए। उसके बाद सेव करके एग्जिट कर लीजिए यहाँ से, उसके बाद कीजिए SH स्पेस और जो भी आपकी फ़ाइल थी उसका जो है पाथ दे दीजिए, एंटर मारिए। यानी अब उस पाथ में जो भी उस जो फाइल पाथ में जो भी आपके कंटेंट था वो सारा एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हमें चलाना है ये इंस्टॉलेशन वाला कमांड, तो उसके लिए बस sudo स्पेस yum स्पेस इंस्टॉल स्पेस टेलीग्राफ, हिट एंटर। अब जो है इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है टेलीग्राफ का, आपसे कन्फर्मेशन मांगेगा, आप वाई प्रेस कीजिए और नेक्स्ट जो है इंस्टॉलेशन कम्प्लीशन की जो आप स्टेटस देख सकते हैं। अगेन इसको भी आपका जो है स्टेटस चेक करने के लिए आप जो सिमिलर कमांड यहाँ पे दी हुई है इसको स्टार्ट की जगह आप इसको स्टेटस से रिप्लेस कर सकते हैं, तो आपको स्टेटस बताएगा। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो ये सॉफ्टवेयर हैं जब इंस्टॉल होते हैं तो जो स्टार्ट मोड में नहीं रहते हैं, आप इसको स्टार्ट करने के लिए जो स्टार्ट कमांड चला सकते हैं।
उसके बाद दोबारा से स्टेटस चेक करने के लिए आप फिर से स्टेटस डालिए, आप देख सकते हैं कि जो है टेलीग्राफ भी है जो इंस्टॉल हो चुका है। अब एक चीज़ यहाँ पे जो देखने वाली ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट टेलीग्राफ को कैसे पता चलेगा कि जो उसको जो डेटा है, जो भी वो सिस्टम रिलेटेड डेटा कलेक्ट करेगा, वो इन्फ्लक्स डीबी को भेजना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट टेलीग्राफ को ये चीज़ पता नहीं होती है, तो वो बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेलीग्राफ जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जो कि इस पाथ पे होती है, इसको एडिट करेंगे। यानी मैं जाने वाला हूँ vi स्पेस जो ये फाइल है उसको आप पूरा पाथ दीजिए, उसके बाद यहाँ पे सर्च कीजिए आप इन्फ्लक्स डीबी, और आप देखेंगे यहाँ पे आउटपुट्स डॉट इन्फ्लक्स डीबी रिलेटेड जो है एक URL है, वो हमें इनेबल करना है। यानी हमें जो इनेबल करना है वो ये वाला जो है इनेबल करना है। यहाँ पे जो हैश है आगे से मैंने वो हैश हटा दिया है। अब ये जो है URLs ये बता रहा है कि जो टेलीग्राफ जो भी डेटा कलेक्ट करे वो इस वाले जो है URL पे भेजे, और ये जो URL है वो जो डिफ़ॉल्ट जो हमने इन्फ्लक्स डीबी यहाँ पे इंस्टॉल किया था उसका जो डिफ़ॉल्ट URL होता है वो ये वाला होता है। यानी कि जो टेलीग्राफ है अब उसको पता चल चुका है कि इसको जो भी डेटा भेजना है वो इस वाले URL पे भेजना है। इस फाइल को आप सेव कीजिए, उसके बाद एग्ज़िट कीजिए। अभी क्या है कि ये जो फाइल है वो मुझे सेव नहीं करने दे रहा है, क्योंकि जो मैंने फाइल खोली थी वो एज अ नॉर्मल यूज़र खोली थी, जबकि हमने जो इंस्टॉल किया है जो टेलीग्राफ वो एज अ सूडो से इंस्टॉल किया है, सूडो यानी कि रूट से इंस्टॉल हुआ है। तो यहाँ पे मैं एग्ज़िट करता हूँ, फाइल अभी सेव नहीं हुई है। मैं इस फाइल को फिर से खोलूँगा, और इस बार मैं खोलूँगा सूडो स्पेस vi स्पेस फाइल नेम देके, यानी कि इस बार जो फाइल खुलेगी उसमें जो है हमें ऑप्शन होगी एडिट करने की। तो मैं जो है इन्फ्लक्स डीबी लिखूंगा फिर से, और जो हम लोग हैं फिर से वहीं पे आ गए हैं जिस जहां मैंने आपको जो ऑप्शन पहले दिखाई थी। यहां पे हम हैश रिमूव करेंगे, और उसके बाद इस फाइल को सेव कीजिए, एग्ज़िट कीजिए, और अब जो है फिर से हम टेलीग्राफ को रीस्टार्ट कर देते हैं। जब भी आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड चेंजेस करेंगे तो ध्यान रखिए कि आपको जो है टेलीग्राफ को रीस्टार्ट करना है। तो टेलीग्राफ को रीस्टार्ट करने की जो कमांड है वो बहुत ही सिंपल है, जो कमांड आपने स्टार्ट या स्टेटस के लिए यूज़ की थी उसी के आगे आपको बस रीस्टार्ट लिखना है। अब जो टेलीग्राफ है वो रीस्टार्ट हो चुका है। अगेन इसका स्टेटस देखने के लिए हम लोग स्टेटस टाइप करेंगे, और हम देख सकते हैं कि जो टेलीग्राफ है वो चल रहा है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमें ये करना है कि सबसे पहले हम लोग जाएंगे ग्रिफाना में, जो भी ग्रिफाना की डिफ़ॉल्ट स्क्रीन थी उसमें एक डेटा सोर्स ऐड करेंगे। तो डेटा सोर्स ऐड करने से पहले जो मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ ग्रिफाना की जो यूज़र इंटरफेस है वो कैसा होता है, ताकि आपको जो है चीज़ों का पता हो कि आपको जो इंटरफेस से इंटरेक्ट कैसे करना है, और उसके बाद जो है हम लोग ग्रिफाना को यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो इंटरफेस है ग्रिफाना का वो कैसे होता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है अभी तक, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोशिश करिए जितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उन तक ये चैनल को पहुँचाइए। उससे क्या है कि जो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, प्लस मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करूँ जिसमें जो कि हमारे हिंदी जो टेक्निकल चैनल्स हैं वो भी आगे निकल सके, और स्पेशली जो ऐसे स्टूडेंट्स वगैरह हैं या ऐसे जॉब सीकर्स हैं जो कि जॉब की तलाश में है लेकिन उनको लैंग्वेज वगैरह की प्रॉब्लम है, और जो इंग्लिश में वो इतनी आसानी से जो टेक्निकल टॉपिक है वो समझ नहीं पाते हैं, तो ये जो चैनल है वो इतना ग्रो कर सके कि ये जो है हिंदी में टेक्नोलॉजी वगैरह सीखने के लिए एक ऐसा चैनल बन सके जिससे लोग बहुत ही आसानी से टेक्निकल चीज़ों को सीख सके अपनी मदर टंग में, और आसानी से चीज़ों को समझ सके, और उसके साथ साथ जॉब वगैरह आसानी से ले सके टेक्नोलॉजी वाले फील्ड में। अब शुरू करते हैं। ये जो इंटरफेस इसका होता है, ये आपने जैसा कि देखा होम पेज इस तरह का दिखता है, और जो होम पेज है ये बेसिकली एक डैशबोर्ड है। तो ये डैशबोर्ड बना हुआ है, सिमिलरली जो आप डिफरेंट टाइप के डैशबोर्ड बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन उसमें रख सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो बात करते हैं हम लेफ़्ट साइड वाले ऑप्शंस की, तो लेफ़्ट साइड में जो आप बार देख रहे हैं सबसे पहले जो है ये होम है, तो इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपका ग्रिफाना का जो बेस URL है या होम URL है वो खुल जाएगा, और उसके नीचे आता है सर्च ऑप्शन। तो अगर सर्च पे आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे, अगर जैसे आपने अभी तो यहाँ पे डैशबोर्ड हमारा बिल्कुल खाली है, लेकिन जैसे अगर आपने ग्रिफाना में कुछ 200-300 डैशबोर्ड बना रखे हैं और आप उन डैशबोर्ड्स को ढूंढना चाहते हैं, तो आप कोई भी की वर्ड डाल के डिफरेंट डैशबोर्ड्स को ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि शुरू में जब भी आप किसी टेक्नोलॉजी पे या जैसे ग्रिफाना वगैरह या किसी और विजुअलाइजेशन टूल में काम करते हो, तो धीरे धीरे आप जो नंबर ऑफ़ डैशबोर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं,
और बाद में क्या होता है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर डैशबोर्ड ढूंढना है तो उसको ढूंढने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए यहाँ पे सर्च की ऑप्शन दी गई है। जो भी आपको डैशबोर्ड चाहिए उसको आप बहुत ही आराम से ढूंढ सकते हो किसी पर्टिकुलर कीवर्ड से। अब फिर से लेफ्ट में जाते हैं, जो सर्च के नीचे ऑप्शन है वो है प्लस का, प्लस यानी कि क्रिएट का यानी कि ऐड का। तो क्रिएट आप क्या कर सकते हो, आप क्रिएट कर सकते हो डैशबोर्ड्स, आप क्रिएट कर सकते हो फोल्डर, या आप इंपोर्ट कर सकते हो ऑलरेडी क्रिएटेड डैशबोर्ड्स। तो सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ डैशबोर्ड पे। अगर डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि ये जो है एक नई विंडो खुल गई है जिसका नाम है न्यू डैशबोर्ड। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो जो है नए डैशबोर्ड की ऑप्शन है, यहाँ पर आप नया पैनल ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे जो जब आप न्यू डैशबोर्ड वाले ऑप्शन में होते हो तो यहाँ पे राइट साइड में आप देखोगे डिफरेंट ऑप्शंस इनेबल हो गए होते हैं। जैसे कि आप जो पहला ऑप्शन देखोगे वो है ऐड पैनल का, यानी कि यहाँ पे क्लिक करके आप पैनल्स ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिर्फ क्लिक करता हूँ और आप देख रहे हो ये जो पैनल यहाँ पे फर्स्ट ऑलरेडी पैनल ऐड हो रखा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मैं एक नया पैनल ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हम यूज़ करेंगे डैशबोर्ड बनाने के लिए। एज ऑफ नाउ आप बस ये समझ लीजिए कि जो एक डैशबोर्ड है वो मल्टीपल पैनल से बना होता है, और ये जो आप देख रहे हो एंटिटी या सिंगल आइटम, इसको एक हम पैनल बोलते हैं। और पैनल को आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, रीसाइज कर सकते हो, और आप एक डैशबोर्ड में मल्टीपल पैनल्स ऐड कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, अब देखोगे आप तो एक और नया पैनल ऐड हो गया है। और बाय डिफॉल्ट जो है ये डमी डेटा है वो सब दिखा रहा है, तो आप इसकी अभी चिंता मत कीजिए, मैं पूरा आपको समझाऊंगा कैसे आप जो है डैशबोर्ड बना सकते हो, ठीक है। तो ये आप देखोगे पैनल्स हैं, डिफरेंट पैनल्स हैं। इस पैनल्स को मैं डिफरेंट शेप एंड साइजेस का रख सकता हूँ, जैसे भी हमें डिज़ाइन करना है उसके हिसाब से हम अपना पूरा डैशबोर्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ऐड पैनल के बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सेव डैशबोर्ड का। जैसे कि आपने जैसे ये डैशबोर्ड एक बार बना लिया तो आप इसको सेव कर सकते हैं। जब आप सेव डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे तो ये आपसे नाम पूछेगा कि इस डैशबोर्ड को आप किस नाम से सेव करना चाहते हो, और उसके नीचे जो है फोल्डर की ऑप्शन आती है। तो जब भी आप डैशबोर्ड्स बनाओगे उस डैशबोर्ड्स को आप जो है डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर में ऑर्गेनाइज करोगे। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर सिस्टम हेल्थ चेकअप से रिलेटेड डैशबोर्ड्स हैं तो उसको मे भी आप जो है हेल्थ चेकअप वाले फोल्डर में रखोगे। उसके बाद लेट्स से कोई जो आपने डैशबोर्ड बनाए हैं जो कि जो है लाइव मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो मे भी आप उसको डिफरेंट फोल्डर के अंडर ऑर्गेनाइज करना चाहोगे। तो जो भी आपका जो रिलेटेड डैशबोर्ड है उसका आप एक फोल्डर बना सकते हो, और उसको जो जितने भी डैशबोर्ड्स हैं उसको उस रिलेटेड फोल्डर के अंदर रख सकते हो। तो अभी के लिए मैं इसको कैंसिल करता हूँ क्योंकि हम जस्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं डिफरेंट ऑप्शंस। तो सेव से जो नेक्स्ट में ऑप्शन है वो है डैशबोर्ड सेटिंग की। जो डैशबोर्ड सेटिंग वाला ऑप्शन है इसको भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, स्पेशली जो डिफरेंट फीचर्स इनेबल करने के लिए। जैसे अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे न्यू डैशबोर्ड का जो सेटिंग का ऑप्शन खुल गया, जिसके अंदर बहुत से डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मेनली वेरिएबल वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, और कुछ जनरल सेटिंग्स होती हैं वो इनेबल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड के रिलेटेड। जो भी आप सेटिंग यहाँ पे करोगे वो सिर्फ और सिर्फ इस डैशबोर्ड के लिए एप्लीकेबल होगी। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ गो बैक, या आप एस्केप भी प्रेस कर सकते थे। तो यानी यहाँ पे अगर मैं डैशबोर्ड सेटिंग से कोई भी सेटिंग करता हूँ तो वो सिर्फ जो है इस वाले डैशबोर्ड के लिए एप्लीकेबल होगी। उसके बाद मैं कोई नया डैशबोर्ड क्रिएट करता हूँ तो उस नए वाले डैशबोर्ड पे फिर से मुझे अगर कोई सेटिंग चेंज करनी है तो मुझे डैशबोर्ड सेटिंग पे जाके सेटिंग चेंज करनी होगी। अब इसके नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है डिस्प्ले से रिलेटेड। अगर मैं यहाँ पे कर्सर लेकर जाता हूँ तो ये कह रहा है साइकिल व्यू मोड। तो बेसिकली जो ये डिफ़ॉल्ट मोड है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे जो लेफ्ट में जो पेन वगैरह थे वो ऑप्शन चली गई हैं, और अगर एक बार मैं और इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे जो टॉप पे हेडर वगैरह में जो ऑप्शन थे वो भी जा चुके हैं। तो ये वाला जो मोड है ये आप तभी यूज़ करोगे जब आपको जैसे नॉक रूम वगैरह में आपको अपने डैशबोर्ड लगाने हैं जो कि कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होंगे। और आप देखोगे उस ऑप्शन से क्या हुआ है कि जो लेफ्ट में जितनी भी यूजेबल स्पेस थी वो हट गई है, तो आपका जो डैशबोर्ड है थोड़ा बेटर दिख रहा है मॉनिटरिंग पर्सपेक्टिव से। आपको फिर से वापस जाने के लिए एस्केप दबाना है, एस्केप के बाद जो भी ऑप्शन था जो डिफ़ॉल्ट व्यू था वो इनेबल हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फिल्टर की ऑप्शन। यहाँ पर आप जो भी आप डैशबोर्ड बनाओगे उसको आप या तो डिफरेंट टाइम रेंज में देखना चाहोगे तो उसके लिए जो है आप डिफरेंट जो रिलेटिव टाइम रेंज सेलेक्ट कर सकते हो, या जैसे आप कोई सर्टन टाइम रेंज में ही उस डैशबोर्ड की वैल्यू देखना चाहते हो। जैसे आप पिछले 7 दिन का डेटा चाहते हो तो उस केस में आप फ्रॉम में और टू में जो है डिफरेंट टाइम रेंज सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जब आप अप्लाई टाइम रेंज करोगे तो आपको इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड में जो डेटा दिखाएगा वो उसी पर्टिकुलर टाइम रेंज का दिखाएगा। इससे नेक्स्ट में जो ऑप्शन है वो है जूम इन और जूम आउट का। तो अगर इस पर आप क्लिक करोगे तो ये जो जूम इन और जूम आउट करेगा, तो जूम इन जैसे ही आपको पता ही है जो
बेसिकली जूम इन जूम आउट फीचर होता है, यानी कि आप डैशबोर्ड को क्लोजली देखना चाहते हो या लेस क्लोजली देखना चाहते हो तो उसके लिए आप जूम इन जूम आउट वगैरह इनेबल कर सकते हो। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रिफ्रेश डैशबोर्ड का। जो रिफ्रेश डैशबोर्ड है कि बाय डिफॉल्ट जो डैशबोर्ड का डेटा है वो कितने देर बाद रिफ्रेश होगा यानी कि चेंज होगा। तो अगर आपका जो डैशबोर्ड है जिसमें लेस से बहुत फ्रीक्वेंट डेटा आता है, आपने जो आपका डेटा सोर्स है वो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है, तो आप उसके हिसाब से ये डैशबोर्ड की रिफ्रेश फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हो। लेस से अगर आपको चाहिए कि हर 5 सेकेंड बाद जो आपका डैशबोर्ड है वो फिर से रिफ्रेश हो और उस जो भी नया डेटा आया है डेटा सोर्स में उसके हिसाब से ये डैशबोर्ड की वैल्यूज़ जो है वो चेंज करे, तो उसके लिए जो आप हैं डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रेश इंटरवल सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग जाते हैं फिर से, हम यहाँ पे थे प्लस में क्रिएट डैशबोर्ड के। क्रिएट डैशबोर्ड के बाद हम लोगों के पास ऑप्शन है फोल्डर क्रिएट करने की। तो अगर आप फोल्डर पे क्रिएट करते हैं, ये जो एरर है ये एरर ये इसलिए दे रहा है, ये बोल रहा है कि इस डैशबोर्ड को मैंने सेव नहीं किया है। तो अगर मैं किसी और ऑप्शन पे जा रहा हूँ तो ये बोलता है कि ये डैशबोर्ड जो है जो भी आपने क्रिएट किया उसका डेटा उड़ जाएगा। तो एज ऑफ नाउ वी डोंट केयर कि क्योंकि ये जो डैशबोर्ड है सिर्फ डमी डैशबोर्ड है। सो हम लोग प्लस पे जाएंगे, फोल्डर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो प्लस पे क्लिक करके फोल्डर पे क्लिक करने से जो ऑप्शन आया है वो है डिफरेंट फोल्डर क्रिएट करने का। तो लेट्स से हम लोग एक फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसको हम नाम देते हैं सिस्टम हेल्थ चेक का। अब इस पे यहाँ पे मैंने क्रिएट पे क्लिक किया तो ये क्या हुआ कि अब जो हमारा फोल्डर था वो फोल्डर क्रिएट हो चुका है। तो अब अगर फिर से मैं प्लस पे जाता हूँ और फिर मैं फोल्डर पे क्रिएट करता हूँ और फिर मैनेज पे क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ देखोगे जो भी हमने सिस्टम हेल्थ चेक का फोल्डर बनाया था वो फोल्डर यहाँ पे आ चुका है। अब जो भी मैं नया डैशबोर्ड बनाऊंगा वो मैं इस फोल्डर के अंदर सेव कर सकता हूँ। तो जिससे क्या होगा कि जो भी आपके जो डैशबोर्ड्स हैं वो सारे ऑर्गेनाइज रहेंगे। ये और बेटर वे में आपको तब समझ में आएगा जब मैं इसको डैशबोर्ड क्रिएट करके और उस डैशबोर्ड नए डैशबोर्ड को इस फोल्डर के अंदर सेव करूंगा। एज ऑफ नाउ ये जो यहाँ पे जो प्लस में ऑप्शन है वो है डैशबोर्ड फोल्डर और इंपोर्ट की। तो डैशबोर्ड और फोल्डर हमने ऑलरेडी देख लिया, अब मूव करते हैं इंपोर्ट पे। जब आप इंपोर्ट पे क्लिक करोगे तो ये बोलता है कि जो भी आपका डैशबोर्ड ऑलरेडी बना हुआ है डिफरेंट जो है किसी और ग्रफाना यू नो वेबसाइट पे या लेसे आपका जो डैशबोर्ड है ऑलरेडी बना हुआ है और आपने उसको एक्सपोर्ट कर रखा है तो उसको आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। यानी कि जैसे अगर आपने एक सिस्टम से बनाया है डैशबोर्ड तो उसको दूसरे सिस्टम में इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये आपका तब ज़्यादा यूज़फुल होगा जब आपको ये जो है अगर आपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में डैशबोर्ड बनाया है और उसको जो है आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में मूव करना चाहते हो। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। जो ये आप नेक्स्ट ऑप्शन देख रहे हो ये डैशबोर्ड से रिलेटेड है। यहाँ पे अगर मैं होम पे क्लिक करूँगा तो ये आपको जो होम जो भी होम पेज आपका सेट होगा वहाँ पे ले जाएगा। तो ये ग्रफाना का डिफ़ॉल्ट होम पेज है जहाँ पे ये हमें ले जा रहा है। उसके बाद अगर मैं नीचे आता हूँ तो नीचे तीन और ऑप्शन है, मैनेज प्लेलिस्ट एंड स्नैपशॉट। तो मैनेज वाला जो ऑप्शन है उस पर हम ऑलरेडी थे जब हमने यहाँ प्लस पे क्रिएट करके भी जब हम फोल्डर पे गए थे, फोल्डर के बाद भी मैनेज पे अगर आप क्लिक करते हो तो आप सेम ऑप्शन पे चले जाते हो। तो ये वही वाला फोल्डर है जहाँ से आप अपने जो हैं जहाँ से आप अपने डैशबोर्ड्स वगैरह को डिफरेंट फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अब जो मैनेज के नेक्स्ट ऑप्शन है वो है प्लेलिस्ट्स एंड स्नैपशॉट की। तो ये वाला तब बेटर वे में समझ आएगा जब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा विद एग्जांपल, तो इसलिए अभी इसको छोड़ देते हैं। उसके अलावा जो नीचे ऑप्शन है वो है एक्सप्लोर की। एक्सप्लोर बेसिकली तब आप यूज़ करोगे जब आप डिफरेंट डेटा सोर्सेज और क्वेरी वगैरह यूज़ करने वाले हो। तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे जब हम डैशबोर्ड बिल्ड करेंगे। तो एक्सप्लोर के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है अलर्टिंग की। अलर्टिंग ऑप्शन हम लोग यूज़ करेंगे जब भी हम कुछ नया अलर्ट क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे अगर कोई सीपी यूटिलाइजेशन जो है 80% से ऊपर जाता है उस केस में जैसे आप जो है अलर्ट भेजना चाहते हो या तो टेलीग्राम पे या ईमेल वगैरह पे, तो उस केस में हम जो है डिफरेंट नोटिफिकेशन चैनल्स को यूज़ करेंगे और जो है कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो ये चीज़ भी हम सीखेंगे अलर्टिंग वाले सेशन में। तो अलर्टिंग में सिर्फ इतना ही है, आप जो है अलर्ट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो डिफरेंट नोटिफिकेशन चैनल्स के लिए। उसके बाद आते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे। कॉन्फ़िगरेशन में आप डिफरेंट डेटा सोर्सेज कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ डेटा सोर्सेज पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये मेरे को बोलेगा ऐड डेटा सोर्स। अगर मैं ऐड डेटा सोर्स पे क्लिक करूँ तो ये पूछेगा किस टाइप के डेटा सोर्स से आप कनेक्ट करना चाहते हो। तो आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट बहुत से डिफरेंट डिफरेंट डेटा सोर्सेज है जिसको जिससे आप कनेक्ट हो सकते हो। और आई मीन देयर आर ऑब्वियसली मतलब जितनी भी ऑप्शंस आई थिंक हो सकती हैं वो सारी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। अभी हम इसको फिर से कैंसिल करते हैं, अभी हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं आपको सिखाऊंगा डैशबोर्ड क्रिएट करना उस टाइम पे हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाके नया डेटा सोर्स ऐड करेंगे। तो जो कॉन्फ़िगरेशन में डेटा सोर्स के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है यूज़र्स की। तो जब भी आप
और डैशबोर्ड वगैरह बनाते हो आप, डिफरेंट डिफरेंट यूज़र्स हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं उनको एक्सेस देते हो, तो उनका यूज़र आईडी क्रिएशन के लिए आपको जो है यूज़र्स वाले पेज पे जाना है। इसके बाद आप जो है इनवाइट पे क्लिक करके जो इनविटेशन यानी कि नया यूज़र बनाओगे और उनके लिए जो भी है उनको ईमेल इनविटेशन वगैरह जाएगा। तो ये भी तब देखेंगे ज़्यादा डिटेल में जब हम यूज़र क्रिएट करेंगे। अभी के लिए बैक पे क्रिएट करते हैं और पीछे जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी एक एडमिन यूज़र बना हुआ है, ये सेम यूज़र है जिसके साथ हमने लॉगिन किया था। तो ये जो एडमिन यूज़र है ये बाय डिफ़ॉल्ट बन जाता है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद हम लोग जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, वो है टीम्स। तो यूजुअली जब भी आप बेसिकली जो सेट ऑफ यू नो टीम है या आप उसको बोल सकते हैं ग्रुप, जैसे सेट ऑफ पीपल है जिसको आप सेम एक्सेस देना चाहते हो, तो उसको आप जो है एक टीम का पार्ट बना सकते हो। अब हम लोग जाते हैं अगेन इसको तब थोड़ा बेटर वे में आपको समझ आएगा जब मैं इसको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अब मूव ऑन करते हैं प्लगइन्स वाले सेक्शन पे। प्लगइन्स यानी कि जो बाय डिफ़ॉल्ट ग्राफाना में ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उसके अलावा जो बहुत से ऐसे ऑप्शन हैं जो कि आप एज अ प्लगइन इनेबल कर सकते हो। प्लगइन यानी कि एड ऑन फीचर, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा जो कि अभी अवेलेबल नहीं है। तो डिफरेंट प्लगइन्स अवेलेबल हैं जो कि आप ग्राफाना मार्केट प्लेस से या तो फ्री में या कुछ ऐसे भी हैं जो कि एंटरप्राइज लेवल के हैं जिसको आप खरीद सकते हो। तो प्लगइन्स के बाद ऑप्शन आता है प्रेफरेंसेस का। अगर मैं प्रेफरेंस पे जाता हूँ तो यहाँ पे जो है मैं थीम वगैरह जो डिफ़ॉल्ट थीम है जो डार्क है उसकी जगह मैं लाइट सेलेक्ट कर सकता हूँ। और अगर यहाँ पे मैं सेव करता हूँ तो ये जो थीम है ये आप देखो ये डार्क की जगह अब जो है लाइट थीम में चेंज हो जाएगी। अगेन ये जो जितने भी जो ऑप्शंस यहाँ से अगर मैं चेंज करूँगा ये जितने भी यूज़र्स होंगे सबके लिए एप्लीकेबल होंगे। तो मैं यहाँ अभी इसको वापस डार्क कर देता हूँ बिकॉज जो लाइट थीम है बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है और मेरे को ये इतना ज़्यादा ब्राइट कलर अच्छा नहीं होता अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रहे हो सिस्टम पे। तो यहाँ पे जो भी आप ऑप्शन चेंज करते हो वो जो है पूरे ग्राफाना में जितने भी यूज़र्स हैं सबके लिए चेंज हो जाता है। तो अब इसके बाद जाते हैं प्रेफरेंसेस के बाद एपीआई कीज़। एपीआई कीज़ आप लोग तब यूज़ करोगे जब आप लोग प्रोग्रामेटिकली जो ग्राफाना से इंटरेक्ट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल ऐसे आप पाइथन प्रोग्रामिंग यूज़ करके एपीआईज कॉल करना चाहते हो जो कि ऑटोमेटिकली यूज़र क्रिएट कर देगा ग्राफाना में, तो वो सब चीज़ें जो हैं उसके लिए आपको टोकन चाहिए होता है और वो जो टोकन है वो आपको यहाँ से मिलेगा न्यू एपीआई की में। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे बाद में। और जो है कॉन्फ़िगरेशन में इतनी ही ऑप्शन थी। उसके बाद लेफ्ट में अगर हम जाए तो फिर से आता है सर्वर एडमिन। सर्वर एडमिन में आता है यूज़र्स ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स स्टेट्स एंड अपग्रेड। यूज़र्स में आप जो है डिफरेंट यूज़र्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, उनको मैनेज कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशंस वाला ऑप्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे भी ये वाला फीचर जो है वो डिसेबल होने वाला है ग्राफाना से, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। सेटिंग्स में अगर आप क्लिक करोगे तो सेटिंग्स में जो भी ग्राफाना .ini जो फाइल होती है यानी कि जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है उस फाइल में जितना भी डिटेल होती है वो सबका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है। तो जो भी आपको सेटिंग देखनी है कि ग्राफाना में इस टाइप पे क्या सेटिंग है वो सारी सेटिंग यहाँ पे पड़ी होती है, आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो आपको चेंजेस करने हैं बैकएंड पे यानी सर्वर पे जाके आपको ग्राफाना .ini फाइल में चेंजेस करने हैं। लेकिन उसके बाद अगर आपको देखना है कि वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हुए कि नहीं तो वो वाले चेंजेस जो हैं आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाके चेक कर सकते हो। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। जो नेक्स्ट ऑप्शन है स्टैट्स से रिलेटेड है। आप देख सकते हो कितने यूज़र्स हैं जो जिन्होंने लॉगिन किया है इस टाइम पे, कितने एडमिन हैं, कितने व्यूअर्स हैं। तो ये सारी जो ऑप्शन है बेसिकली एडमिन के लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप जो है ग्राफाना को एज ए डेवलपर यूज़ करना चाहते हैं तो ये जितनी भी ऑप्शन यहाँ पे हैं सर्वर एडमिन में वो आपके लिए उतनी बेनिफिशियल नहीं है। लेकिन हाँ इट इज़ गुड टू नो, तो अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो आप इजीली जो है ग्राफाना को अच्छे तरीके से समझ पाओगे। अब इन सब ऑप्शंस के बाद जो है बॉटम पे अगर स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आप देखोगे फिर से ऑप्शन आता है जो कि आपका यूज़र ये बता रहा है कि आप किस यूज़र से लॉगिन हो। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये बता रहा है एडमिन, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है एडमिन यूज़र था और हम लोग एडमिन यूज़र से लॉगिन है। तो थोड़ा ऊपर ऑप्शन आ रही है साइन आउट की। अगर मेरे को साइन आउट करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके साइन आउट कर सकता हूँ। अगर मुझे जो पासवर्ड चेंज करना है, जो कि आपको पता है कि अभी मेरा जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड था एडमिन मैं सेम यूज़ कर रहा हूँ, अगर मेरे को वो चेंज करना है तो मैं यहाँ पे चेंज पासवर्ड पे क्लिक करके उसको जो है चेंज कर सकता हूँ। इससे ऊपर है प्रेफरेंसेस। अगर जैसे मैं यहाँ प्रेफरेंसेस में जाके जो थीम वगैरह लाइट मोड में चेंज करता हूँ तो ये जो प्रेफरेंस है ये सिर्फ और सिर्फ मेरे यूज़र के लिए होगी। जैसे अगर आप अपने यूज़र से जब यहाँ लॉगिन करोगे तो आपके लिए हो सकता है डिफ़ॉल्ट डार्क मोड इनेबल हो, या अगर आप जो भी है अगर आप लाइट मोड सेलेक्ट करते हैं तो आपके लिए हो सकता है लाइट मोड सेलेक्टेड हो।
लेकिन अगर मैं इस वाले कॉन्फ़िगरेशन से जाके अगर मैं चेंज कर देता हूँ प्रेफरेंसेस तो वो सबके लिए एप्लीकेबल होगी, लेकिन अगर मैं यहाँ से आकर अगर चेंज करता हूँ प्रेफरेंसेस तो ये सिर्फ इस वाले यूज़र जो कि जिस यूज़र से हम लॉगिन हैं उसी वाले यूज़र के लिए एप्लीकेबल होगी। उसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हेल्प की, यानी अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन देखना है ग्रफाना का तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको जो सपोर्ट में टिकट वगैरह लॉग करनी है ग्रफाना की तो वो यहाँ क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको कम्युनिटी साइट पे जाना है, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ग्रफाना की जो कम्युनिटी है वहाँ पे आप जो है ये वहाँ पे आपको ले जाएगा। तो यहाँ जाके जो है आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो भी आपके क्वेश्चन है वो यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे बहुत से लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन डाले हुए हैं, जैसे कि हाउ टू इंस्टॉल ग्रफाना प्लगइन्स नॉट विजिबल। तो अगर आपको यहाँ पे कम्युनिटी में एंगेज होना है तो आप क्या कर सकते हो, आप डिफरेंट क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो, और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस या डिफरेंट इशू देखने से आपको क्या होता है, आपको ज़्यादा बेटर आइडिया मिलता है कि ग्रफाना में क्या क्या चल रहा है और कौन सी चीज़ों पे लोग काम कर रहे हैं, तो आप उसके हिसाब से अपने आप को या अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हो। तो इतना ही था ग्रफाना इंटरफेस के बारे में। अब जो है नेक्स्ट, अब हम लोग क्रिएट करेंगे ग्रफाना डेटा सोर्स और उसके बाद जो है हम अपना फर्स्ट डैशबोर्ड बनाना शुरू करेंगे। तो दोस्तों चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब तक हमने सीखा था ग्रफाना इंस्टॉल कैसे करते हैं और जो उसका होम इंटरफेस है वो कैसा लगता है, और जो हमने जो बेसिक जो यूज़र इंटरफेस है ग्रफाना का उन सब के बारे में बात की थी। अब यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं कि ग्रफाना में डैशबोर्ड वगैरह हम कैसे बनाएंगे, लेकिन उसको समझने से पहले सबसे पहले हमें जो जानना है वो जानना है डेटा सोर्स के बारे में। तो अगर मैं ग्रफाना के बारे में आपको बताऊं तो ग्रफाना खुद में कोई डेटा नहीं रखता, यानी ग्रफाना क्या है, ग्रफाना सिर्फ आपको विजुअलाइजेशन की जो फैसिलिटी दे रहा है, लेकिन ग्रफाना जो है आपका डेटा स्टोर नहीं करेगा, ठीक है। तो जैसे कि लेसे आपको अगर सर्वर परफॉर्मेंस वगैरह के रिलेटेड जो भी डेटा देखना है तो आप जो सर्वर परफॉर्मेंस का डेटा पुल करोगे उस डेटा को आपको कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, यानी किसी न किसी डेटाबेस में या डेटा स्टोर में रखना पड़ेगा। तो उस पर्पज़ के लिए आपने जैसे कि देखा हमने शुरुआत में ही जो इन्फ्लक्स डीबी इंस्टॉल कर लिया था, तो इन्फ्लक्स डीबी क्या है, वो सारा डेटा स्टोर करके रखेगा और हम ग्रफाना को कनेक्ट करेंगे इन्फ्लक्स डीबी से, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हमें जो इस तरफ लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो कॉन्फ़िगरेशन में जाके हमें डेटा सोर्सेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड डेटा सोर्स में जाके हमें इन्फ्लक्स डीबी डेटा सोर्स ऐड करना है। लेकिन ये करने से पहले मैं जस्ट आपको दिखाना चाहता हूँ सर्वर पे कि इन्फ्लक्स डीबी में डेटा पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है। तो यहाँ पे आपको याद हो तो इस सर्वर पे हमने इन्फ्लक्स डीबी इंस्टॉल किया था। तो इन्फ्लक्स डीबी अगर आपको कमांड लाइन इंटरफेस से खोलना हो तो उसके लिए आप इन्फ्लक्स टाइप कर सकते हैं। इन्फ्लक्स डीबी अगर आपको खोलना है तो आप उसके लिए इन्फ्लक्स टाइप कीजिए और एंटर मारिए, तो ये क्या होगा, आपको इन्फ्लक्स डीबी जो कमांड लाइन इंटरफेस है यानी CLI है उस पर ले जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपको लिस्ट ऑफ डेटाबेसिस देखने हैं तो उसके लिए आप शो डेटाबेसिस लिखिए और सेमीकॉलन एंटर। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये डेटाबेसिस दिखा रहा है जो कि इन्फ्लक्स डीबी में बने हुए हैं। तो जो अंडरस्कोर इंटरनल है वो जो है डिफ़ॉल्ट डेटाबेस होता है जब आप इन्फ्लक्स डीबी को इंस्टॉल करते हो। उसके अलावा जो है टेलीग्राफ डेटाबेस है जो कि टेलीग्राफ ने बनाया है। जब हमने टेलीग्राफ इंस्टॉल किया था और टेलीग्राफ ने जब डेटा सेंड करना शुरू किया था इन्फ्लक्स में, तो उस टाइम पे इन्फ्लक्स ने देखा कि टेलीग्राफ डेटा ऑलरेडी जो डेटाबेस है वो ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है, तो इन्फ्लक्स डीबी ने क्या किया, टेलीग्राफ डेटा बना दिया। अब हम लोग जाते हैं, हम लोग लिखेंगे यूज़ टेलीग्राफ बिकॉज हम जो है टेलीग्राफ डेटाबेस को देखना चाहते हैं, तो हमने लिखा यूज़ टेलीग्राफ और उसके बाद अब यहाँ पे आप देखोगे बता रहा है यूजिंग डेटाबेस टेलीग्राफ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे शो मेजरमेंट्स। तो दोस्तों थोड़ा सा जो इन्फ्लक्स डीबी है डेटाबेस वो जो नॉर्मल आपका जो SQL डेटाबेस होता है, जो नॉर्मल आपकी SQL क्वेरीज चलती हैं उससे थोड़ा ये डिफरेंट होता है। ये टेलीमेट्री डेटाबेस है, यानी कि इसमें अगर कोई भी आपका टेबल है तो उसमें जो टाइम रिलेटेड डेटा तो जरूर ही जरूर होगा, और यहाँ पे जो इंडेक्स वगैरह बनते हैं, यानी कि बेसिकली शॉर्ट में बोलूँ तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और मैं जो है इन्फ्लक्स डीबी का कोर्स सेपरेटली बनाऊँगा तो उसमें सारी डिटेल दूंगा इन्फ्लक्स डीबी के रिगार्डिंग यहाँ पे, लेकिन बस आपको इतना ही समझना था कि जो अगर आप डेटाबेस देखना चाहते हो कमांड लाइन इंटरफेस पे तो आपको लिखना है शो डेटाबेसिस, जिससे वो जो है आपको पूरा डेटाबेसिस दिखाएगा। उसके बाद जो भी डेटाबेस पे आप काम करना चाहते हो, जैसे इस केस में हम टेलीग्राफ को हमने एक्सेस किया और उसके बाद हमने लिखा शो मेजरमेंट्स, जिसने हमें क्या किया, जितने भी टेबल्स वगैरह थे उस डेटाबेस के अंदर वो सारे दिखा दिए। अगर अब जैसे मेरे को जो है डेटा देखना हो तो मैं लिख सकता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CPU, बिकॉज अब यहाँ पे जो CPU है ये जो मेजरमेंट है उसको आप टेबल की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CPU और हम लिमिट लिख देते हैं 5, तो ये क्या होगा, सिर्फ पहले 5 रिकॉर्ड दिखाएगा। अब ने एंटर मारा, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है डेटा वगैरह जो भी टेलीग्राफ भेज रहा है वो यहाँ पे अवेलेबल है।
तो इसका मतलब ये है कि हमारा इन्फ्लक्स डीबी जो है प्रॉपरली चल रहा है, और टेलीग्राफ जो है जो कि एजेंट है जो जो सर्वर से सारा डेटा कलेक्ट करके इस डेटाबेस में डाल रहा है वो भी प्रॉपरली चल रहा है। तो अब हम लोग यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं, अब हम लोग जाते हैं वापस ग्राफाना पे। और एक चीज़ अगर और आपने नोटिस की हो, यहाँ टॉप पे आप देखोगे तो आपका जो हमारा इन्फ्लक्स डीबी है वो चल रहा है 8086 पोर्ट पे, और ये लोकल होस्ट दिखा रहा है बिकॉज़ हमने ग्राफाना और इन्फ्लक्स डीबी दोनों ही सेम ही जो सर्वर पे इंस्टॉल किए थे। ठीक है, ये दोनों जो ये जो कनेक्शन रिलेटेड डिटेल्स है ये आपको काम आएगी यहाँ पे जब आप डेटा सोर्स क्रिएट करोगे। तो चलते हैं, क्रिएट करते हैं ऐड डेटा सोर्स, और यहाँ पे हम डालेंगे इन्फ्लक्स। ओके, यहाँ पे सर्च में आप सर्च कर सकते हो इन्फ्लक्स। अगर आप सर्च नहीं करोगे तो आप देखोगे ये पूरी लिस्ट दिखा रहा है, जितने भी डेटा सोर्सेज अवेलेबल होते हैं ग्राफाना में कनेक्ट करने के लिए वो सारे यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके इन्फ्लक्स डीबी ढूंढ के उसको सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ जो शॉर्ट तरीका है वो ये है कि आप यहाँ पे बस इन्फ्लक्स लिखो और जो है इन्फ्लक्स डीबी सबसे ऊपर आ जाएगा, उसको आप सेलेक्ट कर लो। अब जब आपने सेलेक्ट किया तो अब ये सबसे पहले बोल रहा है नाम, तो ये इन्फ्लक्स डीबी नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आप कोई भी यहाँ पे नेम इसको दे सकते हो, ये सिर्फ लॉजिकल नेम है। और जब जब भी हम डैशबोर्ड वगैरह क्रिएट करेंगे उसमें जब हम डेटा सोर्स को रिफ़र करेंगे तो उसमें यही वाला नाम आपको दिखाई देगा। तो लेट्स से इसको हम नाम दे देते हैं इन्फ्लक्स डीबी, और इसको दे देते हैं कि प्राइमरी। ओके, इसको हम बोलते हैं ये इन्फ्लक्स डीबी हमारा जो है प्राइमरी डेटाबेस है। और उसके बाद जो है नीचे इन्फ्लक्स क्यूएल है, इसमें हमें कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस इन्फ्लक्स क्यूएल रहने दीजिए। और यहाँ पे यूआरएल ये देख रहे होंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूआरएल यानी कि यहाँ पे हमें बताना है इन्फ्लक्स डीबी कहाँ पे इंस्टॉल है। तो इस केस में क्योंकि इन्फ्लक्स डीबी भी और ग्राफाना भी दोनों सेम ही सर्वर पे इंस्टॉल है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ HTTP लोकल होस्ट और पोर्ट 8086 पोर्ट पे इन्फ्लक्स डीबी जो है चल रहा है, तो इसलिए हमने ये पोर्ट डिटेल दी है। लेकिन जस्ट इमेजिन कीजिए अगर आपका जो इन्फ्लक्स डीबी है वो किसी दूसरे सर्वर पे इंस्टॉल होता, तो उस केस में आपको यहाँ पे आईपी एड्रेस डालना पड़ता उस सर्वर का। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही करना है, उसके बाद स्क्रॉल डाउन कीजिए, बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो सब बाद में हम लोग देखेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ आपको जो यहाँ किसी भी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब डेटाबेस में क्या डालना है, आपको नेम ऑफ द डेटाबेस जिससे हम डेटा लेंगे। तो यहाँ पे आपने ऑलरेडी देखा है कि जब हमने शो डेटाबेसिस किया था तो इसने हमें दिखाया था अंडरस्कोर इंटरनल एंड टेलीग्राफ, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टेलीग्राफ डेटाबेस, बिकॉज हम जितना भी डैशबोर्ड वगैरह बनाएंगे वो सब बनेगा टेलीग्राफ डेटा के ऊपर। तो हमने टेलीग्राफ लिखा, अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सेव एंड टेस्ट पे। सेव एंड टेस्ट क्या करेगा, ये टेस्ट करेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो बोल रहा है डेटा सोर्स इज़ वर्किंग, इसका मतलब है कि आपने ये जो डेटा सोर्स क्रिएट किया था ये प्रॉपरली चल रहा है। अब आप इसको बैक पे क्लिक कर सकते हो, अब आप बैक पे क्लिक करके देखोगे डेटा सोर्स ही में जो बेसिकली आपका ये डेटा सोर्स है वो ऐड हो चुका है। ठीक है, तो यानी डेटा सोर्स हो चुका है ऐड, अब आप डैशबोर्ड बनाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो। तो डैशबोर्ड बनाने के लिए पहले लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट में प्लस जो कि क्रिएट का ऑप्शन है, क्रिएट पे जाके हम लोग क्लिक करेंगे डैशबोर्ड पे, और यहाँ पे जो है हम क्रिएट करेंगे पैनल्स। तो जो डैशबोर्ड होता है वो मैंने पहले भी आपको बताया, वो जो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ पैनल्स होता है, तो बहुत सारे पैनल्स को मिला के आप जो है एक डैशबोर्ड बनाते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ऐड न्यू पैनल पे, आप यहाँ से भी ऐड न्यू पैनल कर सकते हो, या अगर जैसे अगर ये नहीं दिख रहा है ये अगर इसको आप यहाँ से हटा के यहाँ पे जो ऐड पैनल का ऑप्शन आता है इस पे आप क्लिक करके भी पैनल ऐड कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया ऐड पैनल पे, उसके बाद क्लिक किया और हम लोग आ गए हैं ये पैनल पे। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो इन्फ्लक्स डीबी प्राइमरी ऑलरेडी दिखा रहा है। अगर आपके पास मल्टीपल डेटा सोर्सेज होते तो उस केस में आप यहाँ पे क्लिक करके जो भी आपका जो डेटा सोर्स है उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस केस में इन्फ्लक्स डीबी प्राइमरी सही दिखा रहा है, हमने इसको बस सेलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे अपना जो है क्वेरी बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो क्वेरी है उसके आगे ए लिखा हुआ है, यानी ग्राफाना में क्या होता है मल्टीपल क्वेरीज क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले फोकस करते हैं इसी क्वेरी पे, हम यहाँ पे जाएंगे और हम बताएंगे फ्रॉम डिफ़ॉल्ट। ओके, डिफ़ॉल्ट हम इसे चेंज करेंगे, हम इसमें एक्चुअली आप डिफ़ॉल्ट ही रख सकते हो क्योंकि एनीवेज जो हम टेलीग्राफ है उसी को यूज़ करने वाले हैं। तो डिफ़ॉल्ट और यहाँ पे सेलेक्ट मेजरमेंट, जब आप सेलेक्ट मेजरमेंट पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये आपको दिखाएगा यही सारे मेजरमेंट्स। तो जो मेजरमेंट मैंने आपको यहाँ पे कमांड लाइन इंटरफेस पे दिखाए थे जो कि CPU डिस्क आयो वगैरह, तो वही सेम मेजरमेंट जो है आपको यहाँ पे भी दिखाएगा। तो यहाँ क्लिक करेंगे सेलेक्ट मेजरमेंट पे और आप देख सकते हो CPU डिस्क वही सब चीज़ें दिखा रहा है। नाउ लेट्स सपोज हमें देखना है CPU यूटिलाइजेशन, तो उसके लिए हम क्लिक करेंगे CPU, हमने सो बेसिकली CPU सेलेक्ट कर लिया और हम बताएंगे
सेलेक्ट, ओके, तो हमें सेलेक्ट क्या करना है? पहले हमने जो, अगर देखोगे आप, सबसे पहले हमने बताया फ्रॉम कौन से मेजरमेंट से हमें डेटा चाहिए, तो हमने बताया कि भाई जो सीपीयू मेजरमेंट है वहाँ से हमें डेटा चाहिए। अब हम बताएंगे क्या हमें कौन सा डेटा चाहिए। तो जैसे कि आपने देखा था जब मैंने किया था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सीपीयू, ओके, तो आपने देखा था ये बहुत सा डेटा दे रहा है, यानी ये दे रहा है सीपीयू, होस्ट, यूसेज गेस्ट, नाइस, यूसेज आइडियल, यूसेज आयो वेट, यानी कि हर तरह का डेटा दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बताएंगे फील्ड वैल्यू पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो सारे जितने भी कॉलम्स थे वो सारे फील्ड यानी कि कॉलम्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोग जैसे हम चाहते हैं कि जो यूसेज सिस्टम है उसका हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यूसेज सिस्टम जैसे ही आपने सेलेक्ट किया, यहाँ आप देखोगे थोड़ा सा डेटा जो है यानी कि ये ग्राफ बनना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे यहाँ आई थिंक सिर्फ हमें यही डिटेल चाहिए थी, विच इज़ लुकिंग ओके, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आई थिंक दिस इज़ फाइन फॉर नाउ। अब हम लोग यहाँ पे राइट में, अगर आप इस पे टॉप पे देखोगे तो पैनल टाइटल दिखा रहे हैं। हम इसको पैनल टाइटल नहीं, हम इसको कोई नाम दे देते हैं ताकि जो कि हमारा पैनल्स हैं वो सारे पैनल्स जो है प्रॉपरली डिफाइंड हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैनल टाइटल, इसको इसके नेम को चेंज करने के लिए आप राइट साइड पे आओगे। राइट साइड में आप पैनल पे क्लिक करोगे और देखोगे सेटिंग्स, यहाँ पे ऑप्शन है सेटिंग्स के अंदर पैनल टाइटल लिखा हुआ है, तो इसको चेंज कर दो। पैनल टाइटल की जगह अब इसको हम चेंज कर देते हैं, हम बोलते हैं इसको सीपीयू यूटिलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे यानी कि सीपीयू यूटिलाइजेशन, अब यहाँ पे आप देखोगे इसका नेम जो है चेंज हो गया सीपीयू यूटिलाइजेशन से। और अभी मैं ये सारे जो ऑप्शन है वन बाय वन आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, जैसे एक क्विकली यहाँ पे ग्लांस करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये बोला है लास्ट सिक्स आवर्स, लेट्स से हम लास्ट सिक्स आवर्स के डेटा में इंटरेस्टेड नहीं है, वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन लास्ट 30 मिनट्स, ठीक है। तो मैंने इसे चेंज कर दिया लास्ट 30 मिनट्स। अभी आप देखो ये जो डेटा है ये आपके जो है डॉट डॉट करके दिखा रहा है, ये जो बा ये पूरी तरह से कनेक्टेड नहीं है। तो क्या होता है कि जो बेसिकली आपका जो डेटा टेलीग्राफ से आ रहा है वो एवरी 10 सेकेंड आ रहा है, तो बीच में जो यानी कि डेटा नहीं होता है। तो उसके लिए क्या, अगर जो जहाँ पे डेटा नहीं है हम उसको अगर कनेक्टेड करना चाहते हैं, तो उस केस में यहाँ पे अगर आप राइट साइड पे आओगे और यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑप्शन है डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले में आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखोगे आप नल वैल्यू लिखा हुआ है, नल वैल्यू को नल की जगह आपको यहाँ चेंज करना है कनेक्टेड पे। अगर यहाँ पे जैसे ही आप कनेक्टेड पे क्लिक करोगे आप देखोगे वापस सारे डॉट्स कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है। और जो है यहाँ पे बहुत सी आप जो चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि अभी आप देख रहे हो यहाँ पे आपको सिर्फ लाइन दिखा रहा है, लाइन की जगह जैसे आप बार भी दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ पे बार को इनेबल कर सकते हो। अब आप देखोगे यहाँ पे लाइन के साथ साथ बार भी दिखा रहा है, ठीक है। अब जैसे आपको लाइन की विथ बढ़ाना चाहते हो, मैं यहाँ पे बार डिसेबल कर दूंगा बिकॉज ये विजुअली उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है, तो मैंने बार को यहाँ पे हटा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो लाइंस दिखा रहा है, अगर मैं ये लाइंस को डिसेबल कर दूँ तो वो सारे लाइंस थे वो चले गए हैं, और मैं क्या कर सकता हूँ सिर्फ बार को इनेबल कर सकता हूँ। तो ठीक है, आप देख सकते हो सिर्फ बार्स दिखाई दे रहे हैं हमें, लाइंस चले गए हैं। तो या तो आप सिर्फ बार्स रख सकते हो या सिर्फ लाइंस रख सकते हो या फिर बार और लाइंस दोनों रख सकते हो। सो मैं लाइंस को प्रेफर करता हूँ। जब भी आपको सी पी यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूटिलाइजेशन या किसी टाइप का ट्रेंड टाइप का डेटा देखना है, तो उसके इसमें आप जो लाइन विजुअलाइजेशन रहता है वो सबसे इफेक्टिव रहता है, आप उसी को यूज़ कीजिए। और यहाँ पे लाइन विथ देखोगे, अभी यहाँ देखोगे पतली सी लाइन दिखा रहा है, जैसे इसको हमें थोड़ा और मोटी लाइन दिखाना हो तो उस केस में हम जो है लाइन विथ को 3 या 4 वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस केस में जैसे मैं 4 सेलेक्ट करता हूँ या जैसे हम लोग 5 सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 सेलेक्ट कर लेते हैं और अभी आप देखोगे जो आपका जो लाइन है ना, जैसे कर्व वगैरह ऊपर नीचे जा रहा है, तो ये स्मूथ टाइप का दिखा रहा है। इसको आप स्टेयर केस में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर मैं देखो स्टेयर केस में कन्वर्ट करता हूँ तो कुछ इस टाइप का दिखता है, ठीक है। मेरे को स्टेयर केस इतना पसंद नहीं है तो मैं इसको डिसेबल कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ये ऑप्शन अवेलेबल है, अगर आप चाहो तो इसको स्टेयर केस में दिखा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको एरिया फिल, तो एरिया फिल अभी जो डेटा है उसके हिसाब से इतना ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा, तो अभी के लिए इसको छोड़ते हैं। और आई थिंक अभी के लिए जितना हमने बनाया है दिस इज़ इनफ। इस पे अब हम लोग क्लिक करते हैं अप्लाई पे, और जैसे ही आप लोग अप्लाई पे क्लिक करोगे जो आपका पैनल कॉन्फ़िगरेशन वाला था वो चला गया, अब यहाँ पे आ गया सीपीयू यूटिलाइजेशन, ठीक है। अब इसको क्या है, पैनल को आप रिसाइज कर सकते हो, अगर आप चाहे तो पैनल को हम इतना यहाँ तक दिखा सकते हैं जो भी, यानी अगर जैसे आपको इसको पूरे यहाँ तक दिखाना चाहते हो तो आपको इस रिसाइज कर सकते हो आपको अकॉर्डिंगली, जिस टाइप का भी आपको दिखाना है। तो मैं इस केस में जैसे हम सी पी यूटिलाइजेशन को यहाँ तक रखेंगे। अब हम ऐड करेंगे एक और पैनल और क्लिक करेंगे ऐड न्यू पैनल पे, और यहाँ पे हम जाएंगे, हम लोग इस बार ऐड करने वाले हैं मेमोरी यूटिलाइजेशन का डेटा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग मेजरमेंट में जाएंगे, मेजरमेंट में हम लोग सेलेक्ट करेंगे
मैम, ओके मैम इज़ फॉर मेमरी, तो हम लोगों ने मेमरी सेलेक्ट किया। यहाँ पे हम सेलेक्ट फील्ड वैल्यू में हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग फील्ड वैल्यू में क्लिक करना चाह रहे हैं यूज़ परसेंटेज, ओके तो हमने यूज़ परसेंटेज यहाँ पे सेलेक्ट किया, ये बता रहा है हमें कितना मेमरी यूटिलाइजेशन है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, हम लोग फिर से जाएंगे राइट साइड पे, हम लोग इसको हमें कनेक्टेड दिखाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नल वैल्यू को चेंज कर देंगे यहाँ पे कनेक्टेड में। और यहाँ पे हम इसका नाम भी चेंज करना चाहते हैं, इसका नाम हम लोग रखेंगे मेमोरी यूटिलाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो मैंने पहले आपको एरिया फिल दिखाया था, तो एरिया फिल को देखो, अगर मैं ज़ीरो कर देता हूँ तो उस केस में आप देखोगे जो बार है, बार से नीचे का जो एरिया है वो वाला एरिया बिल्कुल खाली टाइप का है। अगर मैं इसको वन करता हूँ तो आप देखोगे ये एरिया फिल हो गया है, ठीक है। और अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ाता हूँ तो आप देखोगे ये थोड़ा डार्क कलर से फिल हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली वही है, आपको एरिया जो है कितना डार्क फिल करना है उसके हिसाब से आप इसको एरिया फिल की वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो। इस केस में आई थिंक वन या टू जो है वो बेटर लग रहा है, तो हम लोग इसको वन या टू वगैरह छोड़ सकते हैं। और लाइन विड्थ को लेस से इसको फिर से हम 5 कर लेते हैं, बिकॉज हमने उसको भी जो सी पी यूटिलाइजेशन का 5 था तो इसको भी 5 करेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखो तो आप क्या है, ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों पैनल की जो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सेम रखो, आप चाहो तो इसका जो है इसको डिफरेंट टाइप का, यू नो, डिफरेंट एरिया फिल या डिफरेंट ग्रेडियंट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे पॉइंट्स को अगर मैं इनेबल करूँ तो आप देखोगे जो भी आई थिंक उसके पॉइंट्स को देखने के लिए मैं इसको पहले जो है लाइन विड्थ को 1 करता हूँ। अब यहाँ पे आप देखो जब हमने पॉइंट्स इनेबल किया तो जब भी हमारा जब भी कोई नई वैल्यू आई तो उस टाइम पे यहाँ पे एक डॉट दिखा रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये पॉइंट्स की वैल्यू, ये पॉइंट्स अगर आप इनेबल करते हैं तो कुछ इस टाइप का दिखाएगा। तो हम इस केस में आई थिंक पॉइंट्स को डिसेबल करते हैं, हमें पॉइंट्स देखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। और लाइन विड्थ को चेंज करते हैं 5 पे, और इसको क्या करते हैं, क्लिक करते हैं अप्लाई पे और इसको सेव कर लेते हैं। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, मेमोरी यूटिलाइजेशन को मैं साइड बाय साइड दिखाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसको जो टाइटल पे क्लिक किया और उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया जहाँ भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहता हूँ। अब इसको सीपीयू यूटिलाइजेशन को भी थोड़ा अलाइन कर देते हैं मेमोरी यूटिलाइजेशन के हिसाब से, ठीक है। तो इस टाइप का जो आपका ग्राफ दिख रहा है यहाँ पे, लास्ट 30 मिनट्स है, जैसे लास्ट 30 मिनट्स की जगह अगर आप इसको चाहो लास्ट 15 मिनट्स कर सकते हो, तो उस केस में क्या होगा, दोनों जो पैनल हैं वो लास्ट 15 मिनट्स का डेटा दिखाएंगे, ठीक है। अब जैसे इसमें कुछ और डेटा ऐड करते हैं, हम लोग इसमें जाते हैं ऐड पैनल पे, ऐड पैनल में हम लोग जाते हैं और हम लोग जैसे दिखाना चाहते हैं कि सर्वर जो है, सर्वर का अप टाइम क्या है। और उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट टाइप का विजुअलाइजेशन यूज़ करेंगे। अभी तक हमने जो है विजुअलाइजेशन वाले टैब में हमने सेलेक्ट नहीं किया, तो सबसे पहले राइट साइड पे आप आओ, राइट साइड में जो यहाँ पे विजुअलाइजेशन है, यहाँ पे विजुअलाइजेशन को जब आप एक्सपेंड करोगे आप देखोगे डिफरेंट टाइप ऑफ विजुअलाइजेशन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो ग्राफ वाला ऑलरेडी सेलेक्टेड होता है, तो इसलिए हमने पहले जो पैनल बनाए हैं वो ग्राफ के हिसाब से बनाए हैं। यहाँ पे हम थोड़े से चेंजेस करेंगे और हम लोग जाएंगे, जैसे हम जाना चाह रहे हैं स्टैट्स पे। स्टैट्स क्या है, जो कि आपका सिंगल वैल्यू दिखाएगा। तो जैसे कि सर्वर अप टाइम है, सर्वर अप टाइम में आप ये देखना चाहते हो सर्वर कितने दिनों से अप है, तो उस केसेस में आपको जो है सिर्फ सिंगल वैल्यू यानी कि दिखानी है, तो उस केस में आप स्टैट टाइप का जो है विजुअलाइजेशन सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ मैंने स्टैट सेलेक्ट किया, जैसे ही आपने इसको सेलेक्ट किया बाय डिफॉल्ट ये नो डेटा दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे आप देखोगे हमने क्वेरी में कुछ भी नहीं बताया इसमें कि किस टाइप का डेटा हम दिखाना चाहते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे जो क्वेरी है उसको बनाना शुरू करते हैं, तो हम फ्रॉम में क्या सेलेक्ट करेंगे, फ्रॉम में हमें सेलेक्ट करना है सिस्टम, बिकॉज जो सिस्टम अप टाइम है वो सिस्टम मेजरमेंट के अंदर होता है, तो हमने सेलेक्ट किया सिस्टम। उसके बाद हम सेलेक्ट जो फील्ड वैल्यू में हम लोग सेलेक्ट करेंगे अप टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अप टाइम सेलेक्ट किया, बाय डिफॉल्ट जो अप टाइम है वो सेकंड्स में आता है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप देखोगे आपने अप टाइम सेलेक्ट किया तो यहाँ पे वैल्यू जो है थोड़ी अजीब सी दिख रही है, हमें क्या करना है, हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट साइड में आएंगे, राइट साइड में आप जाओगे फील्ड्स पे, फील्ड पे जाके आपको बताना है कि जो यूनिट है, बाय डिफॉल्ट जो ये डेटा आ रहा है ये जो बेसिकली ग्रफाना इज़ कन्फ्यूज राइट नाउ, तो आपको इसको बताना है कि हम जो ये यूनिट है ये सेकंड्स में है। तो आप यहाँ पे सेकंड्स डालिए यूनिट में, और जब आप सेकंड डालोगे तो यहाँ टाइम सेकंड्स आ रहा होगा, तो आप इसको टाइम सेकंड्स को सेलेक्ट कीजिए। अब आप देख सकते हो जैसे हमने टाइम सेकंड सेलेक्ट किया तो ये बता रहा है यानी जो सर्वर है वो 34.6 मिनट से अप है। यहाँ पे जैसे मैं ये जो डॉट के बाद वाली वैल्यू मैं हटाना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, फील्ड में ही नीचे यहाँ आपके डेसिमल जो है ये ऑटो है, डेसिमल आपको ज़ीरो कर दीजिए, तो उससे क्या होगा ये जो डेसिमल वैल्यूज़ नहीं दिखाएगा, ऐसे वैल्यू दिखाएगा, ठीक है। तो अब ये हम बता रहे हैं कि जो सर्वर अप टाइम है यानी 35 मिनट से सर्वर अप है। तो अगर मैं इस सर्वर पे जाऊँ और
आई थिंक ये डिसेबल हो गया, मैं इसको फिर से डुप्लीकेट सेशन करके एक नया सेशन खोल लेता हूँ और ये पुराने वाले सेशन को बंद कर देते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्रीन क्लियर करते हैं, हम लोग करते हैं अप टाइम लिखते हैं यहाँ पे, और जब हम अप टाइम लिखेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो सर्वर है हमारा 36 मिनट से अप है, यानी कि यहाँ पे जो डेटा दिखा रहा है और जो यहाँ पे दिखा रहा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो एक मिनट का डिफरेंस इसलिए आ रहा है कि जो थोड़ा बहुत जो टेलीग्राफ डेटा रीड करता है और सेंड करता है इन फ्लक्स को, और जो आपका रिफ्रेश इंटरवल है, उन सब बेसिस पे जो है एक मिनट का ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे आप देखो ऊपर पैनल टाइटल में पैनल टाइटल दिखा रहा है, उसको हम चेंज करते हैं। हम पैनल में जाएंगे, हम इसको चेंज करेंगे और लिखेंगे सर्वर अप टाइम, ठीक है। अब इसको मैं अप्लाई पे क्लिक कर सकता हूँ, उस केस में क्या होगा, यहाँ पे अब ये सर्वर अप टाइम प्रॉपरली बता रहा है। और इसको लेस से मैं और छोटा कर देता हूँ, इसको मैं कुछ इस तरह का दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वर अप टाइम आ रहा है, मेमोरी यूटिलाइजेशन को हम फिर से थोड़ा नीचे ले आते हैं, इसके अलाइनमेंट जो है इसको ठीक कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको रख लेते हैं, थोड़ा सा इसको इसकी अलाइनमेंट प्रॉपर करने के लिए मैं इसको नीचे ले जाता हूँ अभी के लिए, बाद में हम इसकी अलाइनमेंट जो है सही करेंगे। यहाँ पे सर्वर अप टाइम आ रहा है, यहाँ पे एक चीज़ देखिए जो ये जो है रेड कलर में आ रहा है, लेट्स से अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे जो ये जो एरो दिखा रहा है इस पर क्लिक कीजिए और एडिट पे जाइए। एडिट पे जाके फिर से वही ऑप्शन आ जाएगी, यानी कि जो आपका एडिट पैनल है, पैनल को एडिट करने का वही वाली ऑप्शन आ गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे यहाँ पे फील्ड में, फील्ड्स पे आप देखोगे आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो थ्रेशोल्ड है, तो थ्रेशोल्ड के हिसाब से ये जो है कलर पिक कर रहा है। तो यानी अगर बाय डिफॉल्ट यहाँ देखोगे बेस कलर दिखा रहा है ग्रीन, और 80 अराउंड 80 एंड अबव के ऊपर जो है वो रेड कलर दिखाएगा। तो क्यों हमें लैसे वी डोंट वांट टू चेंज इट, ठीक है, हम सिर्फ ग्रीन कलर रखना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये वाला जो थ्रेशोल्ड है इसको आप डिलीट कर दीजिए, और यहाँ पे जो बेस कलर है वो ग्रीन है। अगर आप चाहते हैं इसको चेंज करना तो आप ये वाले ग्रीन जो दिख रहा है स्क्वायर इस पर क्लिक कीजिए, सॉरी नॉट स्क्वायर, राउंड जो आपका दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए। और उसके बाद जो है जैसे अगर आपको येलो रखना है या ऑरेंज रखना है, जैसे मैं ऑरेंज चाहता हूँ तो उस केस में मैंने ऑरेंज पे सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे जो मेरा सर्वर अप टाइम है वो जो है अब दिखा रहा है कि हाँ ये 38 मिनट है। अब जैसे हमें देखना है कि कितने यूज़र लॉग्ड इन है, उस केसेस में हम क्या करेंगे, ऐड पैनल पे जाएंगे, ऐड न्यू पैनल पे क्लिक करेंगे, हम लोग जाएंगे सेलेक्ट मेजरमेंट में, और हम लोग मेजरमेंट में जाके सेलेक्ट करेंगे सिस्टम, और सिस्टम के अंदर हम लोग सेलेक्ट करेंगे वैल्यू में जाके हम लोग सेलेक्ट करेंगे यूज़र्स, एन यूज़र्स। तो एन यूज़र्स आप सेलेक्ट करोगे तो ये बताएगा कितने यूज़र्स इस टाइम पे लॉग्ड इन है या कितने यूज़र इस वाले सर्वर को यूज़ कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें जो विजुअलाइजेशन सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ग्राफ विजुअलाइजेशन है जो कि इतना अच्छा नहीं है, हमें चाहिए स्टैट। स्टैट में जाके हम ये बता रहा है कि वन यूज़र है, विच इज़ फाइन। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपको स्टैट की बजाय जैसे आप कुछ थ्रेशोल्ड टाइप का दिखाना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप इसको ये जो स्पीडोमीटर टाइप का है इसको भी यूज़ कर सकते हो, ये भी वैल्यू दिखाने के काम आता है। अब इस केस में एक बेनिफिट है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी के लिए जैसे हम स्टैट्स को ही सेलेक्ट करते हैं और हम इसको बोलते हैं यूज़र्स लॉगिन, यूज़र्स लॉगिन, ठीक है, और हम क्लिक करते हैं अप्लाई पे, तो ये बता रहा है कितने यूज़र्स लॉग्ड इन हैं। और हम इसको क्या करेंगे, हम इसको इसके जो है साइड बाय साइड इसको दिखाते हैं, ठीक है। तो ये अब यानी बता रहा है आपका सर्वर अप टाइम, ये बता रहा है यूज़र लॉग्ड इन। अब जैसे हमें क्या चाहिए, हम ये भी देखना चाहते हैं कि जो सीपीयू यूटिलाइजेशन राइट नाउ कितना है, ये तो हो गया आपका ट्रेंड दिखा रहा है, ठीक है। अब जैसे हम देखना चाहते हैं यूटिलाइजेशन अभी कितना है, यानी मैक्सिमम कितना है, और जो मेमोरी यूटिलाइजेशन मैक्सिमम कितना है, तो उस केस में हम फिर से जाएंगे ऐड पैनल में, हम लोग क्लिक करेंगे ऐड न्यू पैनल, और इस बार मैं आपको दिखाऊंगा हम लोग गेज कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम गेज पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारा जो सीपीयू यूटिलाइजेशन या मेमोरी यूटिलाइजेशन रहता है वो दोस्तों कैसे रहता है, वो 0 से 100% के बीच में रहेगा, या तो हमारा मेमोरी यूटिलाइजेशन 5% 10% या मैक्स टू मैक्स कितना जा सकता है 100% तक जा सकता है। तो उस केसेस में अगर आपको 0 से 100 या विद इन किसी रेंज के अंदर डेटा दिखाना है, तो उस केस के लिए जो गेज वाला है वो बहुत ही इफेक्टिव रहता है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे जाएंगे फ्रॉम में, अब तक आपको पता चल गया होगा कि सेलेक्ट मेजरमेंट में हमें सेलेक्ट करना है सीपीयू यूटिलाइजेशन दिखाने के लिए और मेमोरी यूटिलाइजेशन के लिए। तो सबसे पहले जैसे हम मेमोरी पे जाते हैं और फील्ड वैल्यू में हम लोग सेलेक्ट करते हैं टोटल परसेंटेज, ठीक है, यूज परसेंटेज सेलेक्ट करते हैं। अब हमें ये बता रहा है कि 17% जो है मेमोरी यूटिलाइज्ड है, ठीक है, तो हमें यही डेटा चाहिए था। अब यहाँ पे जो पैनल टाइटल को चेंज करके लिख देते हैं
मेमोरी यूटिलाइजेशन। और यहाँ पे अगर आप देखोगे अभी ये जो है पूरे ग्रीन कलर का दिखा रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, फील्ड्स में जाके थ्रेशोल्ड बताते हैं, उससे क्या होगा जो ये जो वैल्यू आप देख रहे हो अभी ग्रीन कलर में है, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर जैसे अगर हम बोलते हैं कि 0 से अगर 80% यूटिलाइजेशन है, ठीक है, तो उस केस में तो ये रहे ग्रीन में। अगर 80 से अबव है तो उस केस में ये कलर चेंज करे। तो हम क्या करेंगे, ऐड थ्रेशोल्ड पे जाएंगे। हम लोगों ने यहाँ क्या किया, 80 तक हम यही छोड़ेंगे, यहाँ पे हम लोग चेंज करते हैं इसको, हम बोलते हैं लेस से इसको चेंज कर लेते हैं और एम्बर, और यहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको एक्चुअली रेड की जगह हम लोग चेंज करते हैं, इसको करते हैं एम्बर और इसको हम लेस मेक इट रेड। ओके, तो ये वाला जो कलर कॉम्बिनेशन है हम लोग इसके साथ जाएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे कि ये थ्रेशोल्ड तो हमने चेंज कर लिया, लेकिन जैसे मैं ये चाहता हूँ कि ये पूरा 100% अभी ग्रीन दिखा रहा है, उसकी बजाय ये जो है थ्रेशोल्ड के हिसाब से, ये जो गेज है उसके हिसाब से दिखा है। तो उस केस में आपको क्या करना है, थोड़ा सा आप ऊपर जाओगे स्टैंडर्ड ऑप्शन में, आपको बताना है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, मैक्स टू मैक्स ये 100 तक जा सकते हैं, राइट। तो आप मैक्स में 100 डाल दीजिए और मिन में जो है आप 0 डाल दीजिए। तो जैसे ही आपने एक्चुअली मैक्सिमम वैल्यू बताई, उस केस में आप देखोगे जो ये थ्रेशोल्ड की वैल्यू के हिसाब से ये जो कलर है ये चेंज हो गए हैं। तो यानी कि ये 0 यहाँ पे है, 0 से लेके जो 80 तक है वो ग्रीन रहेगा, 80 के बाद जो है वो एम्बर रहेगा, उसके बाद जो है वो रेड रहेगा। अगर आप इसमें चाहो और भी थ्रेशोल्ड ऐड कर सकते हो, जैसे लेसे आपको एक और थ्रेशोल्ड आपने ऐड कर लिया और इस थ्रेशोल्ड में लेसे आप जो वैल्यू दिखाना चाहते हो, यहाँ पे लेसे आप रेड की बजाय आप जो है जो लाइट रेड काइंड ऑफ रख लो, और यहाँ पे जो है आप इसको, हम इसको बोलते हैं 90, और यहाँ पे इसको हम लोग चेंज करते हैं 95 पे, और इसको हम क्या करते हैं, इसको जो है डार्क रेड यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक और ब्रेकडाउन बन गया। तो ये जो है आपका काइंड ऑफ मेमोरी यूटिलाइजेशन बता रहे हैं। यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करते हैं, इसको सेव करते हैं और इस पैनल को फिर से रिसाइज करते हैं और इसको लेकर जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देख रहे हो आप कि जो सिस्टम यूटिलाइजेशन वगैरह है या जो सिस्टम हेल्थ रिलेटेड डेटा है वो कितनी आसानी से हम लोग जो है पूरा बना पा रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मेमोरी यूटिलाइजेशन के अलावा हम लोग जैसे हम लोग दिखाना चाहते हैं कि टोटल कितने प्रोसेसेस अभी चल रहे हैं, कितने प्रोसेस रनिंग में हैं, वो सब डेटा दिखाना चाहते हैं। तो उस केस के लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे ऐड पैनल में, और ऐड पैनल में जाने के बाद हम लोग क्वेरी में सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मेजरमेंट में जाके हम लोग सेलेक्ट करेंगे प्रोसेसेस, ठीक है, प्रोसेसेस, और फील्ड वैल्यू में हम लोग सेलेक्ट करेंगे टोटल प्रोसेसेस, यानी कि टोटल कितने प्रोसेसेस अभी चल रहे हैं। और यहाँ पे जो है डेटा, अगेन यहाँ जो टोटल प्रोसेस है वो सिंगल वैल्यू होगी, आपको पता है वो ग्राफिकल टाइप की नहीं होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे जैसे हम लोग स्टैट सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हो आप बता रही है टोटल 93 प्रोसेस इस टाइम पे चल रहे हैं। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं टोटल प्रोसेसेस, ठीक है, और इसको कर लेते हैं सेव। रेड कलर इस बार रेड ही रहने देते हैं, दिस इज़ फाइन। या यहाँ पे अगर आप चाहो तो इस पे भी थ्रेशोल्ड लगा सकते हो। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको जो है थ्रेशोल्ड लगा लेते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे अगर ज़्यादा प्रोसेस चल रहे होंगे तो इसका मतलब अगर सर्वर आपका है स्लो परफॉर्म कर सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, फील्ड्स में जाके हम लोग यहाँ पे नीचे थ्रेशोल्ड में हम लोग बताएंगे कि जैसे अगर जो है 100 से ऊपर प्रोसेसेस चल रहे हैं तो ये रेड में दिखाए, 100 से नीचे जो है तो ग्रीन में ही दिखाए, दैट इज़ फाइन, ठीक है। और या फिर हम एक और थ्रेशोल्ड ऐड कर लेते हैं, हम लोग इसको जो है 100 से ऊपर को हम लोग कर लेते हैं येलो, और यहाँ पे 200 से ऊपर अगर प्रोसेसेस हैं, ठीक है, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि ये जो है रेड में दिखाए। अब इस पे आप अप्लाई पे क्लिक कर लीजिए। तो यानी कि जब भी वैल्यू चेंज होगी थ्रेशोल्ड्स की, तो ये जो है टोटल प्रोसेसेस आपका जो इसका कलर जो है वो चेंज होगा, ठीक है। एक चीज़ आपने देखा होगा, जब हमने यहाँ पे सर्वर अप टाइम या यूज़र लॉग इन दिखाया था, तो उस केस में जो नीचे कुछ भी जो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं आया था, इस केस में टोटल प्रोसेस में क्योंकि हमने थ्रेशोल्ड लगा दिया है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे, एक्चुअली इसको थोड़ा चेंज करना मुश्किल है, आई एम नॉट श्योर आपने लास्ट में देखा था कि नहीं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी जो मिनी एक काइंड ऑफ बार या ट्रेंड लाइन टाइप का दिखा रहा था, ठीक है। तो एनीवेज अब चलते हैं, मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं। हम लोग लेस से दिखाना चाहते हैं टोटल थ्रेड्स कितने चल रहे हैं। तो उस केस में हम लोग फिर से जाएंगे ऐड न्यू पैनल पे,
और हम लोग जो है सेलेक्ट करेंगे फिर से, हम लोग स्टैट्स या गेज फिर से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स गो विद स्टैट्स, स्टैट्स पे चलते हैं। हम लोग सेलेक्ट करते हैं मेजरमेंट, मेजरमेंट में हम लोग जाके लेंगे प्रोसेसेस, प्रोसेस में हम लोग सेलेक्ट करेंगे कितने थ्रेड्स चल रहे हैं यानी कि टोटल थ्रेड्स, और यहाँ पे बता रहा है टोटल थ्रेड्स इज़ 201। ठीक है, तो अगेन आप यहाँ पे थ्रेशोल्ड में हम लोग लगा देते हैं, हम थ्रेशोल्ड 100 और 200 सिमिलर जो हमने प्रोसेसेस का लगाया था कुछ वैसा ही लगा देते हैं। और यहाँ पे जो इसको हम लोग रेड 200 एंड अबव को, 200 एंड अबव को जो है रेड में रखते हैं, 100 और इसको जो हम लोग लेस से रखते हैं ग्रीन में। ठीक है, या इसको चेंज कर देते हैं 300 रखते हैं। ठीक है, इसको क्लिक करते हैं अप्लाई पे, और इसको जो फिर से हम रिसाइज करेंगे और इसको जो है उठा के लाएंगे हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे एक चीज़ हमने मिस कर दिया, पैनल टाइटल को चेंज करना। फिर से जाते हैं पैनल टाइटल को, इसको चेंज करते हैं, पैनल टाइटल पे हम लोग लिखते हैं टोटल थ्रेड्स। इनफैक्ट टोटल लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको सिर्फ थ्रेड्स लिख देते हैं। तो बेसिकली ये थ्रेड्स बता रहा है, यहाँ पे भी हमें टोटल लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम सिर्फ कर देते हैं प्रोसेसेस। तो यहाँ पे टोटल हटाइए, प्रोसेस ही रहने दीजिए। ठीक है, तो जो अब आपका ऑलरेडी जो डेटा है काफ़ी अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे काफ़ी स्मूथ है, आपको इजीली जो है यहाँ पे सब कुछ पता चल रहा है। अब हम सीपीयू को यहाँ रहने देते हैं, सीपीयू यूटिलाइजेशन को, मेमोरी यूटिलाइजेशन को यहाँ पे ले जाते हैं उठा के उसके नीचे, और कुछ इस टाइप का जो अभी तक हमने जो है इसको बना लिया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि और हम लोग यहाँ पे क्या कुछ दिखा सकते हैं। तो बेसिकली जिस भी टाइप का हम लोग डेटा दिखाना चाहते हैं वो यहाँ पे बहुत ही ईजिली हम लोग दिखा सकते हैं। अभी के हिसाब से लेट्स से लेट मी क्विकली चेक कि हम और क्या दिखा सकते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग दिखाते हैं टोटल जो है डिस्क यूटिलाइजेशन। तो डिस्क यूटिलाइजेशन के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा बार गेज। और हम लोग क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट मेजरमेंट में हम लोग सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे डिस्क, और फील्ड वैल्यू में हम लोग सेलेक्ट करने वाले हैं यूज्ड परसेंटेज। अब यहाँ पे आप देखोगे मैंने जब डिस्क यूज परसेंटेज किया तो यहाँ पे सिर्फ इसने एक ही वैल्यू दिखाई है। ठीक है, लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप सर्वर पे जाओगे, फॉर एग्जांपल ये सर्वर है हमारा, और सर्वर का सेशन जो है वो अगर आप यूज़ नहीं करो तो हैंग हो जाता है। तो इसलिए मैं डुप्लीकेट सेशन पे जाके फिर से नया सेशन ओपन कर लेता हूँ और इसको क्लियर कर देते हैं। और अगर आप df-h करोगे, ठीक है, तो ये बेसिकली आपको बता रहा है कितने माउंट पॉइंट्स जो हैं अवेलेबल हैं। तो यूजुअली जब भी आप सर्वर वगैरह को मॉनिटर करते हो तो आप माउंट पॉइंट्स के हिसाब से मॉनिटर करना चाहते हो, ना कि एज अ सिंगल वैल्यू। तो हम क्या करेंगे उस केसेस में, हमें यहाँ पे जो ग्रुप बाय है, अब तक हमने ग्रुप बाय को यूज़ नहीं किया था, लेकिन हम लोग यहाँ पे ग्रुप बाय को यूज़ करेंगे। तो ग्रुप बाय में हम लोग प्लस पे क्लिक करेंगे और हम लोग जो है इसको ग्रुप बाय करेंगे टैग पाथ के हिसाब से। ठीक है, तो जैसे हमने पाथ किया तो यहाँ पे जो आपका रूट पाथ और जो /boot/efi जो दो माउंट पॉइंट थे जो यहाँ पे दिखा रहे थे, ठीक है, ये दो एक्चुअली माउंट पॉइंट है जो कि सर्वर पे हैं इस टाइम पे। तो ये दोनों जो माउंट पॉइंट है उसकी जो वैल्यू यहाँ पे बता रहा है कि उनका यूटिलाइजेशन कितना है। ठीक है, अगर आपके सर्वर पे ज़्यादा माउंट पॉइंट होंगे तो ये वैल्यू उसी के हिसाब से बताएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है disk.mean path.slash। जैसे आप ये सब इतना कुछ नहीं देखना चाहते हो, यहाँ पे आप सिर्फ देखना चाहते हो पाथ नेम। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, जो एलियास बाय है, एलियास बाय में आपको जाके लिखना है $tag_path। ठीक है, दैट्स इट। अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ पाथ नेम बताएगा, यानी कि माउंट पॉइंट है स्लैश और ये जो माउंट पॉइंट है उसका नाम है /boot/efl। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ अप्लाई पे। अगर अगेन आप चाहते हो फील्ड में थ्रेशहोल्ड वगैरह लगाना तो लगा सकते हो, और ये जो थ्रेशहोल्ड है वो सिंगल बार पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं पैनल टाइटल में इसको चेंज कर देते हैं, इसको बोलते हैं डिस्क यूटिलाइजेशन। ठीक है, और क्लिक करते हैं अप्लाई पे, और इसको जो है हम कुछ इस टाइप का दिखाना चाहते हैं। ठीक है, अगर देखो अगर ये कितना आप इसको देख सकते हो, इसको पहले तो मैं राइट साइड में ले जाता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे अगर जैसे मैं इसको बहुत ही छोटा करता हूँ, जिस केस में ये दो बार नहीं दिखा सकता है वर्टिकली, तो इस केस में ये खुद ही हॉरिजॉन्टल की शेप ले लेता है। ठीक है, लेकिन अगर लैसे ये जो है अभी हम लोग इसको वर्टिकल दिखा रहे हैं, अगर इसको मैं हॉरिजॉन्टल दिखाना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। मैं डिस्क यूटिलाइजेशन पे जाऊँगा, एडिट पे जाऊँगा, और यहाँ पे जो आई थिंक डिस्प्ले में ऑप्शन आती है हॉरिजॉन्टल की, इसको चेंज करने की, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट देखो ऑटो दिखा रहा है, ऑटो की जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो वर्टिकल दिखाता है, लेकिन हम हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करके इसको हॉरिजॉन्टली भी दिखा सकते हैं। तो लैसे इस केस में हम लोग हॉरिजॉन्टली रखते हैं और अप्लाई पे क्लिक करते हैं,
इट इज़ लुकिंग फाइन। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये सही लग रहा है डिस्क यूटिलाइजेशन, या तो इसको नीचे ले चलते हैं, इसको डिस्क यूटिलाइजेशन वाले बॉक्स में ही दिखाते हैं, जहाँ पे जो तीनों ग्राफ को हम लोग सिमिलरली एक उसमें अलाइन कर देते हैं। उसके लिए मुझे थोड़ा सा इसको बड़ा करना पड़ेगा, इसको नीचे लेकर जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग लाइक। होपफुली अभी तक जो भी ग्राफ्स वगैरह हमने बनाए हैं वो आपको पसंद आए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, अगर आप ग्रफाना सीख पा रहे हो, बहुत ही ईजिली सीख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट जरूर करो। उससे क्या होता है, वीडियोस वगैरह को जो अच्छा एंगेजमेंट मिलता है यूट्यूब पे, और जो वीडियो प्रमोट होती है। अगर आप सिर्फ यहाँ पे आ रहे हो अपना अपनी सिर्फ मतलब के लिए आ रहे हो, आपने वीडियो देखी और उसके बाद आप मूव ऑन हो गए, आपने अपना काम कर लिया, तो उस केस में क्या है, मुझे कुछ पता नहीं चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आई या नहीं आई, और आपका कोई बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे मेरा काम क्या है कि मैं ट्राई करता हूँ कि जो भी मेरी नॉलेज है, जितना भी मुझे आता है, वो सब मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोग अगर मेरी वीडियो देखते हो तो उसमें मुझे बताओ, इंटरेक्शन ज़रूर करो, मुझे बताओ कि आपको वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं। अगर कोशिश करो, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो आप मुझे लिंक्डइन वगैरह पर टैग कर सकते हो, मुझे जो है थैंक्स वगैरह बोल सकते हो, या कनेक्ट कर सकते हो बेसिकली लिंक्डइन वगैरह पर मेरे साथ, ठीक है। तो अभी तक हमने इतना बनाया, आई थिंक ये सेशन जो है बहुत लंबा चल रहा है, तो इसको अभी यहीं पे क्लोज़ करते हैं। और हम लोग जो नेक्स्ट सेशन में हैं, और भी सीखेंगे कैसे हम डायनेमिकली डैशबोर्ड वगैरह बना सकते हैं। तो अब तक अगर आपने देखा होगा, हमने जितना भी मॉनिटरिंग किया है वो सिर्फ सिंगल सर्वर पे किया है, लेकिन उस केस में क्या होगा अगर आपके पास मल्टीपल सर्वर्स हैं, ठीक है। तो उस केस में आप डैशबोर्ड्स वगैरह आपके कैसे बनेंगे, कैसे आप मल्टीपल सर्वर्स का यूटिलाइजेशन वगैरह देख पाओगे, तो वो सब चीज़ें जो है वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। और उसमें ये भी बताऊंगा कैसे हम जो है वेरिएबल्स वगैरह यूज़ करेंगे। तो वेरिएबल्स यूज़ करके आप बहुत ही डायनेमिक जो है ग्राफ वगैरह या डैशबोर्ड वगैरह बना सकते हो। तो ठीक है, बने रहो, मिलते हैं अगले सेशन में। और एक काम करते हैं, अभी तक जो भी हमने ये पैनल्स बनाए हैं, ये डैशबोर्ड जो है सेव नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे सेव डैशबोर्ड पे क्लिक कर लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। इसको नाम देते हैं हम लोग सिस्टम हेल्थ डैशबोर्ड का, ठीक है। और इसको जनरल फोल्डर में ही रहने देते हैं, सेव पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये डैशबोर्ड जो है अब हमारा सेव हो गया। अब नेक्स्ट टाइम हमें जब भी हमें इसे देखना होगा, तो हमें नया डैशबोर्ड क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ जो है डैशबोर्ड्स पे जाएंगे, और अगर आप डैशबोर्ड्स आई एम सॉरी, हमें जाना है एक्चुअली एक्सप्लोर पे, नॉट एक्सप्लोर पे, हमें जाना है होम पे। और होम पे जो है यहाँ पे रिसेंटली व्यू डैशबोर्ड में आपका जो डैशबोर्ड दिखा रहा है, तो हम क्लिक करेंगे सिस्टम हेल्थ डैशबोर्ड पे, और यहाँ पे आप क्विकली वापस अपने जो है डैशबोर्ड पे चले जाओगे, ठीक है। तो दैट्स इट, मिलते हैं अगले सेशन में। तो यार, स्वागत है इस नए सेशन में, और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपको मल्टीपल सर्वर्स मॉनिटर करना है, तो उस केस में आप कैसे उसको मॉनिटर करोगे, और क्या डैशबोर्ड बनाओगे, क्या क्वेरी लिखोगे, क्या सिलेक्शन करोगे, उन सब से रिगार्डिंग। तो अब तक हमने क्या किया था, हमने ये एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल डैशबोर्ड बनाया था, जिसमें कि हम लोग सिंगल सर्वर के जो सारे पैरामीटर्स हैं, मैट्रिक्स हैं, वो सब दिखा रहे थे। अब मैंने क्या किया है, मैंने जो दो और सर्वर्स पे टेलीग्राफ इंस्टॉल कर दिया, तो वो सब भी अपना जो डेटा है वो यहाँ पे सेंड कर रहे हैं। और उस केस में हमें क्या करना है कि लेट्स से हम एक पैनल क्रिएट करते हैं, और हम इसमें जो है सेम जो क्वेरी हमने सीपीयू यूटिलाइजेशन के लिए यूज़ की थी, सेम हम यूज़ करेंगे, लेकिन हम जो है मल्टीपल जो सर्वर्स हैं उसका सीपीयू यूटिलाइजेशन दिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि आपको याद होगा, हम गए थे सेलेक्ट मेजरमेंट में, हमने सेलेक्ट किया था सीपीयू, और फील्ड वैल्यू में हमने सेलेक्ट किया था, हम यूसेज सिस्टम दिखा रहे थे, तो हमने यूसेज सिस्टम सेलेक्ट किया था। और यहाँ पे हम लोग गए थे पैनल में, हमने थोड़ा स्क्रॉल डाउन किया था, हमने यहाँ पे डिस्प्ले में जाके जो था जो विद ओनली आई एम सॉरी नॉट दिस वन, यहाँ पे एक्चुअली हम लोग गए थे डिस्प्ले में हमने क्या करना है कि जो नल वैल्यूज़ हैं उसको हमें दिखाना है एज़ कनेक्टेड, ओके। तो हमारा ऐसा कुछ डैशबोर्ड आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे, इस टाइम पे मेरे पास मल्टीपल सर्वर्स हैं, तो ये क्या कर रहा है, हमें जो सभी सर्वर्स का कंबाइन करके दिखा रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें सर्वर बाय सर्वर चाहिए। तो उस केस में आपको क्या करना है, ग्रुप बाय में जाना है, ग्रुप बाय में आपको प्लस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सेलेक्ट करना है टैग होस्ट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब ये देखो इसने ब्रेक डाउन कर दिया है, अब हमारे जो तीन सर्वर थे, पहले जो सर्वर था जिस पे हम लोग पहले प्रैक्टिस कर रहे थे, उसका नाम था IT Panther 01, उसके बाद जो दो और सर्वर हैं IT Panther 02 एंड IT Panther 03, इस पे भी मैंने टेलीग्राफ इंस्टॉल कर दिया है, तो उनका भी डेटा जो है अब यहाँ पे आ रहा है। अब आप देखोगे यहाँ पे तीन लाइन बन गई है, ठीक है, और तीनों लाइन में जो तीनों सर्वर का डेटा दिखा रहा है, सीपीयू यूटिलाइजेशन दिखा रहा है,
अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो हम चाहते हैं कि आप देख रहे होगे यहाँ पे दिखा रहा है CPU.mean लिखा हुआ रहा है हर चीज़ के आगे। तो जैसे हम ये CPU.mean नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ चाहते हैं जो एक्चुअल होस्ट नेम है सर्वर का सिर्फ वही दिखाए। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एलियास बाय में जाना है और यहाँ पे करना है $tag_host और दैट्स इट। उसके बाद आप कहीं भी क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप देखोगे ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या दिखा रहा है, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो होस्ट नेम है वो दिखा रहा है और यहाँ पे जो आपको ग्राफ में सभी जो होस्ट हैं यानी कि सर्वर नेम है उन सबका यूटिलाइजेशन दिखा रहा है। अब सबसे पहले तो इसका जो नाम चेंज कर लेते हैं, इसको बोलते हैं CPU यूटिलाइजेशन। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं, वैसे तो ये ऑल सर्वर्स हैं तो इसको अभी के लिए ऑल सर्वर्स लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये जो यहाँ पे ये दिखा रहा है ये लेजेंड है, तो मैं आपको थोड़ा सा और इसमें दिखाने लगा हूँ विजुअलाइजेशन से रिलेटेड। लेकिन उससे पहले एक बार इसको जस्ट अप्लाई करके यहाँ पे देखते हैं कि कैसा लग रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अभी देखें इस टाइम पे तो ऐसा लग रहा है, इसको मैं स्क्रॉल करके नीचे ले आता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का जो है हमारा CPU यूटिलाइजेशन का दिख रहा है। अब बिफोर हम मूव ऑन करें उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ और इंटरेस्टिंग चीज़ है वो आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब आप नोटिस करोगे जब भी आप ऐड पैनल पे क्लिक करते हो, तो ऐड पैनल पे क्लिक करते हो तो आपके पास ऑप्शन आती है ऐड न्यू पैनल की और आपके पास ऑप्शन आती है कन्वर्ट टू रो की। ठीक है, तो कन्वर्ट टू रो क्या है, कन्वर्ट टू रो पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको समझाता हूँ कि ये क्या है। जैसे हमने क्लिक किया कन्वर्ट टू रो पे, अब आप देखोगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ गई है रो टाइटल। तो यानी कि क्या हुआ, जितने भी आपके पैनल्स थे वो अब इस रो का पार्ट बन गए हैं। तो मैं इसको जो है एक्सपेंड कर सकता हूँ या जो मैं इसको बेसिकली अगर मैं चाहूँ तो इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ या इसको हटा सकता हूँ। तो उसके बेसिस पे हमें जो है ये जो डैशबोर्ड्स जो भी पैनल्स हैं उस रो के अंदर वो सारे दिखाएगा। अब पहले तो ये जो टाइटल है इसको चेंज कर लेते हैं। तो उसको चेंज करने के लिए सेटिंग्स पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जो रो टाइटल इसको हम नाम देना चाहते हैं, जैसे हम इसको नाम देना चाहते हैं समरी। यूजली मैं क्या करता हूँ, जो पहला रो होता है उसमें मैं समरी रखता हूँ और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं अपडेट। ठीक है, तो पहला जो है वो समरी होता है और उसके बाद जो डिटेल व्यू है वो मैं उसको नेक्स्ट रो में बनाता हूँ। तो मैं इस टाइम पे क्या करूँगा, जैसे हम इसको बोलते हैं समरी सिंगल होस्ट और इसको अपडेट कर लेते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है मिनिमाइज़ कर लेते हैं। एक हम फिर से क्लिक करते हैं ऐड पैनल पे और इसको फिर से बोलते हैं कन्वर्ट टू रो। और ये नए वाला जो रो टाइटल आया इसको हम लोग नाम दे देते हैं इस टाइम पे, हम जैसे इसको बोलते हैं समरी एंड बोलते हैं मल्टीपल होस्ट। ठीक है, और इसको फिर से हम क्लिक करते हैं अपडेट पे। अब आप देखोगे कि जो दोनों को एक्सपेंड करते हैं तो देखोगे मल्टीपल होस्ट वाले में अभी जो है कोई भी पैनल वगैरह नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो मेरा पैनल है मैं इसको टाइटल से उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ इस वाले रो के अंदर। ठीक है, तो अब क्या है कि ये जो समरी है सिंगल होस्ट वाली इसको मैं जो हाइड कर लेता हूँ ताकि जो आपको ठीक से दिखे। अब हमारा जो फोकस रहेगा वो सिर्फ हम लोग फोकस करेंगे इसी वाले पे यानी कि समरी मल्टीपल होस्ट वाले पे। ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं, अब मैं यहाँ पे फिर से इसको एडिट करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको करते हैं एडिट और जाते हैं यहाँ पे जो अदर डिटेल्स मैं आपको दिखाने लगा था विजुअलाइजेशन से रिलेटेड, वो ये है कि जैसे यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि मल्टीपल CPUs की वैल्यू आ रही है। ठीक है, और हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं एवरेज यानी कि मीन, हम एवरेज देख रहे हैं यहाँ पे हर CPU का कि कितना यूटिलाइजेशन है। अब लेसे जो यूटिलाइजेशन है वो मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं देखना चाहता हूँ कि मिनिमम यूटिलाइजेशन कितना था और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कितना था। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, आप डिस्प्ले जो देख रहे हैं डिस्प्ले से स्क्रॉल डाउन कीजिए या इसको आप हटा दीजिए और हमें जाना है एक्चुअली लेजेंड्स में। तो लेजेंड्स को ये यहाँ पे देखेंगे, आप डिस्प्ले से नीचे आ रहा है सीरीज ओवर राइड्स एक्सिस एंड लेजेंड्स, और लेजेंड को एक्सपेंड कीजिए और यहाँ पे आप देखोगे एक ऑप्शन आ रही है जो कि बोल रहा है मिन मैक्स एवरेज। ठीक है, तो मैं अगर मिन को इनेबल करूँ तो आप देखोगे हर जो सर्वर नेम था उसके साथ में जो मिनिमम वैल्यू है वो भी दिखाने लगा है। अब इसको अगर मैं मैक्स पे क्लिक करूँ तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा है हर सर्वर का। ठीक है, और ऐसे ही मैं एवरेज भी दिखा सकता हूँ, ऐसे ही मैं करंट भी दिखा सकता हूँ और ऐसे ही मैं टोटल यूटिलाइजेशन भी दिखा सकता हूँ। मगर दोस्तों एक चीज़ आप देखोगे कि अभी ये जो है अब क्या हो रहा है, ये जो सर्वर वन और सर्वर टू तो यहाँ पे दिखा रहे हैं, सर्वर थ्री यहाँ पे दिखा रहा है, तो ये जो देखने में उतना ज़्यादा विजुअली अट्रैक्टिव नहीं है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एज अ टेबल। तो यहाँ पे एज अ टेबल जो अभी डिसेबल्ड है इसको इनेबल कर देते हैं। अब आप देखोगे तो ये बहुत ही ब्यूटीफुली दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे जो आपके सारे होस्ट नेम्स दिखा रहा है
और यहाँ पे जो है उनकी वैल्यूज दिखा रहे हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ ताकि आपको तीनों होस्ट नेम्स दिखा सके। यहाँ पे आप देखोगे तीनों होस्ट नेम दिखा रहा है और यहाँ पे उनकी मिनिमम मैक्सिमम एवरेज यूटिलाइजेशन करंट यूटिलाइजेशन एंड टोटल यूटिलाइजेशन वगैरह है वो सब दिखा रहे हैं। तो इट इज़ लुकिंग वेरी गुड। ठीक है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अभी के लिए इस पे अप्लाई पे क्लिक करते हैं और हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अब मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स को समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, आई थिंक इस डैशबोर्ड में हमने ऑलरेडी बहुत काम कर लिया है, अब हम लोग इसको जो है मूव ऑन करते हैं, हम लोग एक नया डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं। जस्ट उससे पहले जो ये जो लेजेंड है ये अभी दिखा रहा है यहाँ पे डाउन में, इसको आप अगर चाहो तो राइट साइड में भी दिखा सकते हो। उसके लिए जस्ट क्विकली एक बार आपको दिखा सकता हूँ कि आप लोग एडिट करो, एडिट पे जाओ, उसके बाद लेजेंड में जाके यहाँ पे जो टू द राइट है इसको इनेबल करो और आपका ये जो टेबल है वो राइट साइड में दिखाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो किस वे में आपको बेटर लग रहा है, उस हिसाब से आप जो है इसको दिखा सकते हो। अगर आपको लगता है कि इसको नीचे दिखाना अच्छा है तो आप नीचे रख सकते हो, अगर साइड में दिखाना अच्छा है तो आप इसको साइड में रख सकते हो। अब जैसे इसको सेव कर देते हैं और हम चलते हैं प्लस पे, जाते हैं डैशबोर्ड पे, क्रिएट करते हैं नया डैशबोर्ड। ठीक है, इस डैशबोर्ड में हम लोग सीखेंगे वेरिएबल कैसे यूज़ करते हैं और वेरिएबल यूज़ करके आप जो है बहुत ही डायनेमिक डैशबोर्ड्स क्रिएट कर सकते हो। तो क्लिक करते हैं ऐड न्यू पैनल पे, ऐड न्यू पैनल पे और जाते हैं यहाँ पे हम लोग फ्रॉम में सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम लोग दिखाना चाहते हैं मेमोरी यूटिलाइजेशन, तो हम लोग सेलेक्ट करते हैं मेमोरी और हम लोग जैसे यहाँ पे जाते हैं परसेंटेज यूज्ड। ठीक है, तो यूज्ड परसेंटेज, ठीक है, तो हमने सेलेक्ट किया यूज्ड परसेंटेज। अब यहाँ पे यूज़ परसेंटेज में आप देखोगे कुछ वैल्यू आ रही है, बीच में डेटा नहीं है क्योंकि मैंने सर्वर इस टाइम पे बंद कर दिया था, इसलिए इस टाइम पे कोई भी डेटा नहीं है। एनीवेज हम इसको लास्ट 6 आवर्स के लिए लास्ट 15 मिनट्स कर लेते हैं ताकि जो है हमें डेटा प्रॉपरली दिखाए। और अब मैं ये क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जो अगेन आपको याद ही होगा कि हमने इसकी जो वैल्यू है हमें जाना है डिस्प्ले में जाके हमें क्या करना है, जो नल वैल्यूज़ है उसको हम कर देंगे कनेक्टेड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप देखोगे जो हमें दिखा रहा है सर्वर्स की वैल्यू दिखा रहा है, हम इसको जो है सभी सर्वर का यहाँ पे कंबाइंड दिखा रहा है। हम इसको ब्रेक डाउन करने वाले हैं टैग होस्ट से, और जैसा कि आपने पहले ही सीखा था ये अब इसने होस्ट वाइज ब्रेक डाउन कर दिया है। हम इसको क्विकली टैग होस्ट लिख देंगे ताकि यहाँ पे सब सर्वर का दिखाए इंडिविजुअली। अब यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है कि जैसे अगर आप चाहते हो कि मैं या तो मैं सिंगल सर्वर का दिखाऊं या मल्टीपल सर्वर्स का दिखाऊं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2-3 ही सर्वर है, तो उस केस में तो आपको ये प्रॉपर लग रहा है। लेकिन जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर आप 50 या 100 सर्वर मॉनिटर कर रहे हो, तो उस केस में आपको मे भी हो सकता है आप ट्रबल शूटिंग के लिए सिर्फ 1 या 2 सर्वर ही सेलेक्ट करना चाहो, उनका डेटा देखना चाहो। ठीक है, डायनेमिकली हो सकता है कोई बंदा जो है वो सिर्फ दो जो सर्वर का डेटा देखना चाहे, कोई हो सकता है सबका देखना चाहे, कोई हो सकता है 5 का देखना चाहे। ठीक है, तो उस केस में हम कैसे एक्चुअली डायनेमिक टाइप का क्रिएट कर सकते हैं डैशबोर्ड, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना होता है, हमें यूज़ करना होता है पैनल। तो हम लोग हमें यूज़ करना होता है वेरिएबल। तो उससे पहले लेकिन मैं पैनल को जो है रीनेम कर देता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ सीपी यूटिलाइजेशन और हम लोग इसको कर लेते हैं अप्लाई पे क्लिक। अब ठीक है, अब आपको जाना है, आपको सेम डैशबोर्ड पे ही रहना है और आपको यहाँ पे जो डैशबोर्ड सेटिंग की ऑप्शन आ रही है इस पे क्लिक करना है। डैशबोर्ड सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको जो यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन वेरिएबल की, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और वेरिएबल्स में आपको क्लिक करना है ऐड वेरिएबल पे। और यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें जो एक क्वेरी क्रिएट करनी है जो कि जितने भी होस्ट नेम्स हैं वो दिखाएगा। तो जस्ट आपको क्विकली बता देता हूँ कि अगर आपको इन्फ्लक्स डीबी पे आपको अगर क्वेरी चाहिए कि जो कि जितने भी होस्ट नेम आप मॉनिटर कर रहे हो वो सारे होस्ट्स की लिस्ट दिखाए, तो उसके इसके लिए आपको करना है ऑब्वियसली आपको जो है CLI पे लॉगिन करना है, फिर टेलीग्राफ डेटाबेस को सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको ये क्वेरी लिखनी है शो टैग वैल्यूज़ फ्रॉम CPU विद की इज इक्वल टू होस्ट, और यहाँ पे एंटर मारोगे तो आप देखोगे जितने भी इसने अभी तक होस्ट मॉनिटर किए थे वो सारे होस्ट की लिस्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, ये जो पहले 3 होस्ट है ये आप इग्नोर कर सकते हो, ये मैंने टेम्परेली मॉनिटरिंग के लिए लगाया था, लेकिन अभी हम सिर्फ जो है ये 3 होस्ट को देख रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो क्वेरी है ये हम लोग यूज़ करने वाले हैं ये वेरिएबल क्रिएशन के टाइम पे। तो हम लोग यहाँ पे करने वाले वेरिएबल क्रिएट, हम लोग यहाँ जब आप वेरिएबल क्रिएशन पे जाते हैं तो आपको एक नेम बताना होता है कि इस वेरिएबल को आप किस नेम से रेफ़र करोगे। तो हम जैसे हम इसको बोलते हैं सर्वर्स, ठीक है, और यहाँ पे टाइप में रहेगा क्वेरी, कोई भी चेंज नहीं करेंगे। लेबल अगर आप चाहो तो लेबल में कुछ और डाल सकते हो, फॉर एग्जांपल नेम में तो आप सर्वर्स बोल रहे हो, लेकिन हो सकता है लेबल में आप बोलना चाहते हो कि सेलेक्ट अ सर्वर, ठीक है, सर्वर, और ऐसे में ब्रैकेट में सर्वर्स डाल देता हूँ। ठीक है, तो यूज़र जो है उसको ये मैसेज दिखेगा।
अब जैसे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ जो क्वेरी आपको नीचे दिख रहा है क्वेरी ऑप्शन में, क्वेरी यहाँ पे हमें वो सेम क्वेरी डालनी है जो कि हमने वहाँ मैंने आपको दिखाया था इनफ्लक्स कमांड लाइन इंटरफेस पे चला के, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो जैसे ही मैंने क्वेरी डाला और मैं कहीं और सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे नीचे जो है प्रीव्यू ऑफ वैल्यूज़ में वो सारी वैल्यू आ गई है जो कि यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखा रहा था, ठीक है। तो ये जितने भी होस्ट नेम दिखा रहा था वो सारे होस्ट नेम अब यहाँ पे आ गए हैं वेरिएबल की वैल्यू में। तो इसको मैं क्या करता हूँ, अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर लिया और अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गो बैक पे जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे सर्वर, यहाँ पे सेलेक्ट सर्वर जो हमने लिखा था लेबल वो आ गया है और यहाँ पे जो सारे जो भी अपने सर्वर नेम्स है वो सारे दिखा रहा है, ठीक है। और मैं जैसे कोई भी मतलब मैं सर्वर सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन इस टाइम पे क्या हो रहा है कि जो भी हम वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि ये जो नीचे वाला सीपी यूटिलाइजेशन का डैशबोर्ड है वो इसकी वैल्यू के हिसाब से चेंज हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने सीपी यूटिलाइजेशन का जब पैनल बनाया था उस टाइम हमने कुछ भी नहीं बताया था कि क्या कौन सा वेरिएबल हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सीपी यूटिलाइजेशन पे जाएंगे, इसको एडिट करेंगे और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग जो है वेरिएबल नेम को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फ्रॉम में जो आप देखोगे फ्रॉम के साथ एक वेयर क्लॉज भी है, तो वेयर क्लॉज में आपको प्लस पे क्लिक करना है और आपको सेलेक्ट करना है होस्ट, ठीक है। और होस्ट में यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे बोला है होस्ट इक्वल टू सेलेक्ट टैग वैल्यू। तो हम लोग टैग वैल्यू में क्या करेंगे, टैग वैल्यू में हम लोग ये वाला जो वेरिएबल नेम आपने क्रिएट किया था, अगर आपको याद है तो वेरिएबल नेम हमने क्रिएट किया था, वहाँ पे हमने नेम दिया था सर्वर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो ग्रफाना आपको ऑलरेडी वो चीज़ बता रहा है कि ये वाला सेलेक्ट कर सकते हो आप, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उस केस में क्या हो रहा है, अब ये जो है आपकी क्वेरी वो बन गई है डायनेमिक इन द सेंस, अब यहाँ पे आपने कुछ भी फिक्स नहीं किया है, आप जो भी यहाँ पे सेलेक्ट करोगे वो वाली वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी बैकएंड में, ठीक है। आपको फ्रंट एंड में सिर्फ सर्वर्स लिखा हुआ दिखेगा। अब जैसे यहाँ पे मैं क्या हो रहा है कि मैं सर्वर 2 की जगह मैं सर्वर 3 सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे, अब देखो आप ये जो डेटा दिखा रहा है ये सर्वर 3 का डेटा दिखा रहा है, यहाँ पे भी आप देखोगे होस्ट नेम ITPanther03 दिखा रहा है। इसको अप्लाई पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो मैं ITPanther01 सेलेक्ट करता हूँ तो ये ITPanther01 का सीपी यूटिलाइजेशन दिखाने लगता है मुझे, और अगर मैं ITPanther02 सर्वर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ये ITPanther02 का जो है दिखाने लगता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करोगे, यहाँ पे आपको मल्टीपल सर्वर सेलेक्ट करने की ऑप्शन नहीं दे रहा है। वो ऑप्शन आपको इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि जब हमने वेरिएबल क्रिएट किया था उस टाइम पे हमें बताना पड़ता है कि हम मल्टीपल ऑप्शन भी सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हमने नहीं बताई थी। तो हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल को एडिट करने के लिए फिर से जाएंगे सेटिंग्स पे, सेटिंग्स, और फिर से हम क्लिक करेंगे वेरिएबल्स पे, और हमने कौन सा वेरिएबल बनाया था, हमने वेरिएबल नेम बनाया था सर्वर्स, तो हम लोग फिर से इस पे क्लिक करेंगे और ये हमें ले जाएगा वेरिएबल एडिट वाले सेक्शन में। यहाँ पे आने के बाद आप लोग चेक करोगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन है सेलेक्ट ऑप्शंस में लिखा हुआ है मल्टीपल वैल्यू, ठीक है। तो हम इसको इनेबल कर सकते हैं, इसको जब आप इनेबल करोगे तो इनेबल करोगे और अपडेट पे क्लिक करोगे और उसके बाद फिर से जाते हैं गो बैक के बाद। अब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको जो है मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट करने देगा, जैसे आपको ITPanther01 2 सेलेक्ट करने दे रहा है। अब आप देखोगे यहाँ पे जो आपको दो सर्वर का डेटा बता रहा है, ठीक है, 01 का भी 02 का भी। सिमिलरली मैं अगर चाहूँ तो मैं 3 भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। अभी भी यहाँ पे एक चीज़ जो है दोस्तों वो मिसिंग है, वो है ऑल सर्वर्स, ठीक है। अगर जैसे मेरे को कुछ 10 या 15 सर्वर का डेटा एक साथ देखना है तो मैं थोड़ी ना सबको 1x1 सेलेक्ट करने बैठूंगा, ठीक है। उस केस में क्या होता है, हम सेलेक्ट करते हैं ऑल, ठीक है, और यहाँ पे देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट ऑल जो है वो नहीं दिखा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें जाना है फिर से सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाने के बाद हमें जाना है वेरिएबल्स में, वेरिएबल्स में जाने के बाद हमें जाना है सेम जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया था, उसके बाद यहाँ पे देखोगे एक ऑप्शन आ रही थी इंक्लूड ऑल ऑप्शंस की, तो इसको जो है हमने इनेबल नहीं किया था। मैं इसको जा रहा हूँ इनेबल करने, और इनेबल करने के बाद फिर से इस पर अपडेट पर क्लिक कर देंगे। अब आप देखोगे जब हम गो बैक करेंगे यहाँ पे, अब आप देखोगे एक नई ऑप्शन आ गई है जो कि जिसका नाम है ऑल। तो अब मैं इन सबको हटा के मैं डायरेक्टली अगर मुझे सब सर्वर्स का डेटा देखना है तो मैं बस ऑल पे क्लिक कर सकता हूँ और उस केस में ये मुझे सबका डेटा दिखाएगा। अगर मैं चाहूँ तो मैं सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर का सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ये पूरे का पूरा अगर आप देखो तो ये जो पैनल है ये पैनल आपका बन गया है डायनेमिक, यानी कि बेस्ड ऑन द सिलेक्शन ऑफ द वेरिएबल आप जो है वैल्यू जो आपका यानी पैनल है या डैशबोर्ड है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये जो वेरिएबल बनाने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग है, और जब भी आप एडवांस ग्रफाना डैशबोर्ड्स वगैरह बनाते हो तो उसमें हमेशा वेरिएबल्स का यूज़ करते हो।
तो होपफुली ये सेशन आपको पसंद आया होगा, इस सेशन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इस सेशन के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। उस सेशन में मैं आपको बताऊंगा हम लोग कैसे और अदर जो है एडवांस फीचर जो है ग्राफाना के वो यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हम लोग जो है टेबल पैनल को यूज़ करेंगे डेटा डिस्प्ले करवाने के लिए। तो सबसे पहले मैं ऐड न्यू पैनल पे जाऊंगा और उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो विजुअलाइजेशन में मैं सेलेक्ट कर लूँगा टेबल। और इसके बाद जो है हम लोग जैसे हम लोग देखना चाहते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस पर सर्वर, तो उस केस में मैंने यहाँ पे जो है प्रोसेस सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे जो वैल्यू में हम लोग सेलेक्ट करेंगे टोटल, तो ये टोटल प्रोसेस बता देगा। और यहाँ पे जैसे ग्रुप बाय में मैं 1 मिनट कर लेता हूँ और ग्रुप बाय हम कर देंगे बाय होस्ट एज वेल। ओके, तो आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे ही मैंने ग्रुप बाय होस्ट किया तो यहाँ पे देखोगे आप एक काइंड ऑफ फिल्टर बन के आ गया है। तो मैं होस्ट जो भी है होस्ट 1, 2, 3 यानी कि आईटी पैंथर 0, 1, 2, 3 में से कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको ऐसा चाहिए कि ये जो होस्ट नेम है वो यहाँ की बजाय जो है एज अ कॉलम आए, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आप देखोगे तो फॉर्मेट एज बना हुआ है, तो हमें इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो हमें चेंज करनी होगी। हमें इसे बोलना होगा फॉर्मेट एज टेबल। तो जैसे ही मैं फॉर्मेट एज टेबल करता हूँ उस केस में आप देखोगे यहाँ पे एक नया जो है कॉलम बन गया जिसका नाम है होस्ट, और यहाँ पे सारी होस्ट की एंट्रीज़ हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा होस्ट नेम्स है, यानी कि सेम जो होस्ट नेम है उसके बहुत सारे डेटा पॉइंट्स है, एवरी मिनट जो है उसका डेटा पॉइंट है। तो उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे जो हम है लास्ट 5 मिनट्स का डेटा ले रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5-5 डेटा पॉइंट्स है सभी होस्ट के लिए। लेकिन जैसे हम इंटरेस्टेड हैं सिर्फ एक डेटा पॉइंट के लिए, ठीक है, जो भी लास्ट वाला डेटा पॉइंट है हम सिर्फ वही देखना चाहते हैं, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ग्रुप बाय में एक और ऑप्शन होता है, अगर आप प्लस पे क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन होता है लिमिट, यहाँ पे आप जो है लिमिट लगा सकते हो। यहाँ पे लिमिट कर दो 1, तो उस केस में क्या होगा आप देखोगे सिर्फ जो लेटेस्ट एंट्री है वही दिखाएगा, और आपको जो है यहाँ पे आईटी पैंथर 01, आईटी पैंथर 02 एंड आईटी पैंथर 03 का जो है वो प्रोसेसेस जो टोटल प्रोसेस हैं वो कितने हैं वो मिल रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ और देखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है एवरेज बता रहा है, यानी कि जो लास्ट 5 मिनट्स में जो भी एवरेज नंबर ऑफ प्रोसेस थे वो बता रहा है। जैसे अगर आपको ये नहीं चाहिए, आपको जो चाहिए लास्ट, तो उस केस में आप क्या है इसको चेंज कर सकते हो और इसको आप कर सकते हो लास्ट, ठीक है। एनीवेज जो हमारा फोकस है इस लेसन में वो ये है कि हम टेबल कैसे यूज़ कर सकते हैं। जो ये डेटा है उसमें मैं इतना अभी नहीं जा रहा हूँ, जो डेटा से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी जो है हमने लास्ट कुछ सेशन में सीखा था कि हम डेटा वगैरह कैसे जो है उसको प्ले अराउंड कर सकते हैं। अब हम लोग जाएंगे यहाँ पे पैनल टाइटल में इसको चेंज कर देते हैं, जैसे इसको बोलते हैं हम लोग टोटल प्रोसेसेस, और इसको हम लोग कर देते हैं अप्लाई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको करते हैं डुप्लीकेट, और अभी ये देखो ये टेबल बहुत ही जो ऑर्डिनरी टाइप का लग रहा है, इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। अब हम लोग ये जो डुप्लीकेट हमने किया है इसको करते हैं एडिट, और इसको हम लोग क्या करेंगे जाते हैं फील्ड में। फील्ड में जाने के बाद यहाँ पे देखोगे तो है सेल डिस्प्ले मोड। सेल डिस्प्ले मोड में बहुत से ऑप्शन हैं, यहाँ पे अगर आप चाहो तो कलर टेक्स्ट कर सकते हो। तो कलर टेक्स्ट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे देखोगे ये सब जो है काफ़ी कलरफुल हो गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखोगे, जो ये वैल्यू है ये वाली लास्ट वैल्यू ये जो कलर हुई है ये हुई है इस थ्रेशहोल्ड के बेसिस पे, तो अगर मैं इसको जो है रिमूव कर दूँ तो उस केस में ये सारी जो वैल्यू हैं ग्रीन रह जाएंगी सिर्फ, ठीक है। और सिमिलरली जो डेट था वो भी थ्रेशहोल्ड की वजह से जो था वो डिफरेंट कलर में दिखा रहा था, बिकॉज एक्चुअली जो भी नंबर था इसको भी एज अ काइंड ऑफ यू नो नंबर ले रहा था, उसके हिसाब से उसकी फॉर्मेटिंग कर रहा था। तो एनीवेज इसमें ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये देख लीजिए कि अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से जो बेस कलर है उसको हटा दीजिए, और उसके बाद जो है अगर यहाँ पे जैसे मुझे ग्रीन की बजाय कोई और कलर लेना है तो मैं वो वाला कलर भी ले सकता हूँ। अब एक और चीज़ यहाँ पे जो हम कर सकते हैं वो ये है कि यहाँ पे जैसे थोड़ा और प्ले अराउंड करते हैं, इसको हम जो है कलर बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं। तो कलर बैकग्राउंड आप सेलेक्ट करोगे तो कुछ इस टाइप का दिखेगा, अगेन ये बेस कलर के ऊपर डिपेंड करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे थोड़ा सा लाइट कलर चाहिए हो या डार्क कलर चाहिए हो या ब्लू कलर चाहिए तो वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, इसको जैसे हम लोग सेव कर लेते हैं। अब हम लोग जाते हैं फिर से इसको करते हैं डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट करने के बाद इसको फिर से करते हैं एडिट, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि फील्ड में अगर हम जाएंगे कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसे कि हो गया ग्रेडियंट गेज, ठीक है। तो ग्रेडियंट गेज अगर हम लोग करते हैं तो कुछ इस टाइप का दिखता है। तो ग्रेडियंट गेज जो है देखो बेटर है, लेकिन जो वैल्यूज़ वाले जो कॉलम है फील्ड है उसके लिए बेटर है, अगर आप ओवरऑल पे करोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। और उसके बाद जो है LCD गेज है, LCD गेज की भी सेम सिचुएशन, अगर आप ये जो है इसको सब पे कर दोगे सभी कॉलम पे करोगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो जो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ऑप्शन होता है ओवरराइड्स का, मैं बताऊंगा आपको हम कैसे ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने जो है ऑटो कर दिया है,
और यहाँ पे आई थिंक कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से जो यहाँ पे वैल्यू आ रही थी वो जा चुकी है, तो मैं इसको सिर्फ डिस्कार्ड करने वाला हूँ। और उसके बाद हम फिर से जाते हैं यहाँ पे टोटल प्रोसेस पे, क्लिक करते हैं एडिट पे, हम लोग जाते हैं फील्ड में, नहीं इस बार हमें जाना है ओवरराइड्स में। और यहाँ पे हम ओवरराइड में क्या करेंगे, हम लोग क्रिएट करेंगे एन ओवरराइड, तो हम लोग जाएंगे ऐड एन ओवरराइड फॉर, और यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे फील्ड्स विद नेम। हम लोग जैसे ओवरराइड ऐड करेंगे इस कॉलम को, हम लोग जो भी फॉर्मेटिंग करेंगे वो हम चाहते हैं ये वाले कॉलम पे फॉर्मेटिंग हो, जिसका नाम है लास्ट। तो मैं जाता हूँ फील्ड विद नेम, और फील्ड विद नेम में यहाँ सारे फील्ड नेम्स आ जाएंगे, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा लास्ट। और एक चीज़ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई है आई थिंक, जो टाइम है इसको हम लोग 5 मिनट कर लेते हैं, क्योंकि कुछ जो डेटा है वो लॉस्ट हो रहा था, बिकॉज आई थिंक जो डेटा है हमारा एवरी 1 मिनट नहीं आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो हमने लास्ट सेलेक्ट कर लिया, और हम लोग क्या करेंगे अब एक प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, तो ऐड एन ओवरराइड प्रॉपर्टी, और यहाँ पे जो है हम लोग जाएंगे सेल डिस्प्ले मोड में। सेल डिस्प्ले मोड में जाने के बाद हम लोग जो है यहाँ पे चूज़ कर लेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे अब चूज़ करते हैं ग्रेडियंट गेज। ओके, तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा, या जो है जैसे हम इस बार सेलेक्ट करते हैं LCD गेज, तो वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। ओके, तो इस केस में आप देख रहे हो ये जो वैल्यूज़ हैं ये बेटर लग रही हैं, बिकॉज जो यहाँ पे वैल्यू है उसके हिसाब से ये जो है LCD गेज आपको दिखा रहा है उसका डेटा। अगेन एक चीज़ जो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे हमने जो कलर बैकग्राउंड किया था इसको जो कर देते हैं हम नॉर्मल, तो इसको अगर हम नॉर्मल छोड़ दें तो उस केस में हमारा ये जो है ऑप्शन काफ़ी बेटर लग रहा है। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको जो है कलर बैकग्राउंड कर सकते हो, लेकिन जो है इसका जो कलर चेंज कर सकते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में जैसे हम लोग ले लेते हैं ऑरेंज कलर, तो ये कुछ इस टाइप का लगेगा। अब हम लोग क्लिक करते हैं अप्लाई पे, ठीक है। सिमिलरली जैसे अगर आपको जो है तीनों ही डिफरेंट डिफरेंट कलर के चाहिए, फॉर एग्जांपल जैसे टाइम का कलर आप कुछ और चाहते हो, तो दोस्तों ग्रफाना फॉर बिगिनर गाइड में इतना ही था, और इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है, अगर कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे पास जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब पे जाके, और उसके अलावा कोई भी हेल्प चाहिए या कोई एडवांस टॉपिक समझना हो तो मेरे चैनल पे जो है मैं काफ़ी जो पोस्ट डालता रहता हूँ ग्रफाना से रिलेटेड, तो वो सब जाके आप देख सकते हो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जैसे हम जो होस्ट नेम है उसका हम कलर चेंज करना चाहते हैं, तो मैं जाऊंगा होस्ट नेम पे, और यहाँ एड एन ओवरराइड प्रॉपर्टी में जाके सेल डिस्प्ले मोड में जाके जो हम क्या करेंगे, इसका जो है कलर बैकग्राउंड है, कलर बैकग्राउंड है उसको एक्चुअली हम चेंज करना चाहते हैं, तो इसका जो है कलर बैकग्राउंड ले लेते हैं। और इस पर एक और प्रॉपर्टी हमें डालनी पड़ेगी, वो है डिस्प्ले मोड। ओके, तो सॉरी कलर स्कीम, कलर स्कीम में जाने के बाद हम लोग जो है सेलेक्ट कर लेते हैं सेट अ स्पेसिफिक कलर, और इसके बाद जो है इसको कलर हम लोग जैसे कोई दूसरा ले सकते हैं, हम लोग जैसे ये पर्पल ले सकते हैं या जैसे ब्लू ले सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप जो है आप इसकी चेंजेस इसमें चेंजेस भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका जो यू नो डिफरेंट टाइप ऑफ जो टेबल की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं या काइंड ऑफ सेटिंग है या कलर वगैरह है वो आप यहाँ से कर सकते हो। अब दोस्तों हम लोग मूव ऑन करते हैं और सीखते हैं थ्रेशोल्ड के बारे में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जाते हैं प्लस पे, क्रिएट करते हैं एक नया डैशबोर्ड, और यहाँ पे जैसे हम लोग एक क्विकली जो है पैनल बना लेते हैं जो कि बताएगा मेमोरी यूटिलाइजेशन। तो मैं ले लेता हूँ मेमोरी, और यहाँ पे फील्ड वैल्यू में जैसे हम लोग ले लेते हैं परसेंटेज, इसमें ले लेते हैं यूज परसेंटेज, और यहाँ पे जैसे जो डॉलर इंटरवल है इसको हम लोग कर देते हैं 1 मिनट, यहाँ पे एवरेज है विच इज़ फाइन, और हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं ग्रुप बाय में ले लेते हैं हम लोग होस्ट, तो यहाँ पे जो तीनों होस्ट हैं हमारे उसका जो है डेटा दिखा रहा है, और जो यहाँ पे डॉलर बाय में कर लेते हैं टैग होस्ट, ताकि जो तीनों होस्ट हैं उन सब की यहाँ पे एंट्री अलग अलग दिखाए। और उसके अलावा जो है क्विकली जो है टेबल इनेबल कर लेते हैं और उसको दिखाते हैं राइट साइड पर, जो मिन मैक्स एवरेज करेंट जो है इनको इनेबल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया है, और उससे पहले एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो वाई एक्सिस है हमारा, वहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू आ रहा है वो 32 है और मैक्सिमम वैल्यू है जो 44 है, ठीक है। तो ये क्या है, डायनेमिक है, बेस्ड ऑन जितना हमारा मेमोरी यूटिलाइजेशन जा रहा है उसके हिसाब से ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो है उस रेंज के हिसाब से सेलेक्ट कर रहा है डायनेमिकली। लेकिन जैसे अगर आपको फिक्स विथ चाहिए, जैसे आप 0 से स्टार्ट करके 100 तक ही जाना चाहते हो, बिकॉज जो परसेंटेज है हमें हमारा मेमोरी यूटिलाइजेशन का वो हमेशा 100 तक रहेगा, तो उस केस में क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे देखोगे तो एक्सिस में जो है यहाँ पे आप यहाँ पे मीन वैल्यू दे सकते हो 0 और मैक्स वैल्यू में आप दे सकते हो 100। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपको वैल्यू दिखेंगी वो हमेशा 0 से 100 जो है उसके बीच में दिखेंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लास्ट ले लेते हैं 5 मिनट्स, और इसको कर लेते हैं अप्लाई,
ठीक है, अब देखोगे तो डेटा हमारा कुछ इस टाइप का आ रहा है। जैसे क्विकली जो है इसका पैनल टाइटल चेंज कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं मेमोरी यूटिलाइजेशन। और अब जो मेरे पास एक स्क्रिप्ट है मैं वो चलाने वाला हूँ, वो स्क्रिप्ट क्या करेगा, वो जो मेमोरी यूटिलाइजेशन है उसको बढ़ाएगा। ठीक है, तो मैं काइंड ऑफ जस्ट आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे इस केस में हमारा मेमोरी यूटिलाइजेशन है वो लगभग अराउंड 40 है, और जैसे अगर जो हमारा मेमोरी यूटिलाइजेशन 65 या 70 से ऊपर जाता है, तो यू नो हम क्विकली आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि हाँ अगर 70 से ऊपर गया तो हम क्विकली कोई एक्शन ले सके, हम ये टेस्ट कर सके कि यूटिलाइजेशन हाई क्यों जा रहा है, और कुछ जो भी एक्शन हमें लेना है वो एक्शन ले सके। या जैसे 85 से ऊपर जाता है तो उसकी सिचुएशन में जो सर्वर की परफॉर्मेंस है वो लो हो सकती है, तो उस केस में हमें क्विकली यू नो आइडेंटिफाई करना है कि मेमोरी यूटिलाइजेशन हाई जा रहा है और हमें क्विकली जो है उसको कंट्रोल करना है। तो अभी अगर आप देखोगे, अगर जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है वो कुछ इस तरह की है, जैसे हम लोग मेमोरी यूटिलाइजेशन बढ़ाते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं जो आपको स्क्रिप्ट है वो दिखाता हूँ, ये बहुत सिंपल पाइथन स्क्रिप्ट है और लिनक्स पे पाइथन ऑलरेडी होता है, तो अगर ये सेम स्क्रिप्ट आप चलाओगे तो बड़े आराम से चल जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, ये जो मेमोरी यूटिलाइजेशन है उसको इंक्रीज़ कर रहा है एवरी 30 सेकेंड्स। ठीक है, तो अगर मैं इसको चलाऊँ तो आप देखोगे धीरे धीरे जो मेमोरी यूटिलाइजेशन है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, जो कि हम क्लियरली इस डैशबोर्ड में देख पाएंगे। यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, जो रिफ्रेश इंटरवल है इसको कर देते हैं एवरी 10 सेकेंड, ताकि जो डैशबोर्ड है क्विकली रिफ्रेश हो और हमें पता चलता रहे कि मेमोरी यूटिलाइजेशन जो है वो कैसे हाई जा रहा है। अगर आप नोटिस करोगे तो बहुत जो है स्लाइटली डिफरेंस ऑलरेडी आ चुका है, धीरे धीरे जो मेमोरी यूटिलाइजेशन है ये ऊपर जाना शुरू हो गया है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे तो यू नो ये अभी भी अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी देखें तो बताना बड़ा मुश्किल है कि यू नो मेमोरी यूटिलाइजेशन कितना है और कितना नहीं, वो जो हमारा थ्रेशोल्ड है उसको क्रॉस करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, वो चीज़ अगर देखनी है तो आपको हमेशा वाई एक्सिस पे देखना पड़ेगा, इसको फोकस करना पड़ेगा और उसके बाद आपको देखना पड़ेगा हाँ ये जो वैल्यू है अभी, जो लेस अगर हम 65 का थ्रेशोल्ड रखते हैं तो उससे कम है। ठीक है, तो ये जो विजुअलाइजेशन का तरीका है वो इतना सही नहीं है, क्योंकि जब भी हम विजुअलाइजेशन करते हैं हम क्विकली जो आइडेंटिफाई करना चाहते हैं या कोई भी एनोमली है वो डिटेक्ट करना चाहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है उसको बहुत क्विकली जो है वो डिटेक्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं जो स्क्रिप्ट है बैकेंड पे जो मैंने चलाई है उसको बंद कर देता हूँ, और अदरवाइज़ क्योंकि वो स्क्रिप्ट चलती रहेगी और मेमोरी यूटिलाइजेशन काफ़ी हाई हो जाएगा, जो सर्वर है वो क्रैश हो सकता है, तो पहले वो उसको कंट्रोल करते हैं, फिर मैं दिखाऊंगा कैसे हम लोग जो है थ्रेशोल्ड ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें मेमोरी यूटिलाइजेशन में जाएंगे, हम लोग इसको करेंगे एडिट। एडिट करने के बाद यहाँ पे अगर बिल्कुल आप जो स्क्रॉल डाउन करोगे बॉटम पे आपको दिखेगा ऐड थ्रेशोल्ड, इस पर क्लिक करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे हमें बोल रहा है T1 GT। तो T1 क्या है, T1 इज़ बेसिकली थ्रेशोल्ड 1, आप जो है यहाँ पे मल्टीपल थ्रेशोल्ड क्रिएट कर सकते हो, और GT है ग्रेटर देन, यहाँ पे LT भी है जो कि लेस देन के लिए है। जैसे हम यहाँ बोलना चाहते हैं कि T1 इज़ ग्रेटर देन अगर ये जो है 60% है, तो उस केस में जो है काइंड ऑफ वार्निंग टाइप का जो कलर है वो कर दे इसको। ठीक है, या जैसे अगर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 40। ठीक है, अगर 40 से ऊपर जाता है तो काइंड ऑफ वार्निंग कर दे, और हम लोग एक और थ्रेशोल्ड ऐड करते हैं, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 60, और उसको बाद अगर 60 से ऊपर जाता है तो क्रिटिकल कर लेते हैं। तो अब इस केस में आप देखोगे, इसको मैं अप्लाई कर लेता हूँ, तो अब देखोगे आप कितना डिफरेंस आ चुका है। अगर इस केस में बहुत ही क्विकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि हाँ जो इस टाइम पे हमारा जो थ्रेशोल्ड था वो ऑलमोस्ट लाइक क्रिटिकल को क्रॉस कर गया था, या यहाँ पे जो हम धीरे धीरे देख सकते हैं कि अराउंड इस टाइम के आसपास जो था हमारा जो थ्रेशोल्ड था वो ब्रीच कर गया था। ठीक है, ये हो गया आपका तरीका क्विकली यू नो विजुअली आइडेंटिफाई करने का कि जो वैल्यू है वो थ्रेशोल्ड से ऊपर है या नीचे है। तो ऐसे जो है आप थ्रेशोल्ड लगा सकते हो, अगेन मल्टीपल थ्रेशोल्ड लगा सकते हो आप। अब दोस्तों एक चीज़ देखते हैं कि कई बार ऐसी सिनेरियो आ सकती है कि आप जो है आप हर सर्वर का डेटा देखना चाहते हो, लेकिन जो एक पर्टिकुलर सर्वर है उसका डेटा आप नहीं देखना चाहते हो। तो उस केस में क्या कर सकते हो, आप मेमोरी यूटिलाइजेशन पे जाओ, इसको एडिट करो, और यहाँ पे आप देखोगे तो है ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में आप देखोगे तो बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है फिल्टर बाय नेम, हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे देखो आप ऑप्शन आ रहा है कि जो है आप जितने भी होस्ट नेम होंगे वो सारे यहाँ आ जाएंगे। तो इस केस में जैसे मैं ITPanther02 को डिसेबल कर देता हूँ और इसको अप्लाई कर देता हूँ, तो अब जितने भी नए सर्वर्स हैं या पुराने सर्वर हैं वो सबको दिखाएगा हमेशा, लेकिन ITPanther02 की एंट्री कभी भी यहाँ पर नहीं दिखाएगा। और ये जो सेम चीज़ है वो आप दूसरे डैशबोर्ड में भी कर सकते थे। पहले मैं इसको क्विकली सेव कर लेता हूँ और इसको जैसे न्यू डैशबोर्ड कॉपी यही नाम रहने देते हैं। मैं क्विकली जाता हूँ होम में, और यहाँ पे जो हमने पिछला डैशबोर्ड बनाया था उसका मैंने नाम रखा था टेबल कलरिंग। सेम जो हमारा फंडा था वो यहाँ भी हम अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप जो यहाँ पे टाइम है उसको डिसेबल करना चाहते हो, तो उसके इसके लिए आप इसको सेलेक्ट करो, एडिट पे जाओ,
और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाओ, उसके बाद फील्ड बाय नेम है उसको सेलेक्ट करो, और यहाँ पे जो टाइम है उसको आप जो है डीसेलेक्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ और इसको कर देता हूँ अप्लाई। अब आप देखोगे यहाँ पे हमें क्या दिखा रहा है, सिर्फ होस्ट नेम दिखा रहा है और ये जो उसका यूटिलाइजेशन है वो दिखा रहा है।